तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएम पोर्शन को अपने, हमने पढ़ना शुरू किया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को और सबसे पहले ले रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है भाई? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी जो अपन इस कोर्स में पढ़ेंगे तीन अलग अलग लेवल पर यूज की जाती है। पहले का नाम है कॉर्पोरेट लेवल, जिसे टॉप लेवल स्ट्रैटेजी भी कहा करते हैं, टॉप मैनेजमेंट बनाती है इसको। सेकंड को कहते हैं अपन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, जो इंडिविजुअल बिजनेस के लिए मिडिल लेवल पे बनती है। और सबसे अंत में होती है हमारी फंक्शनल स्ट्रैटेजी, जो इंडिविजुअल फंक्शंस या डिपार्टमेंट के लिए, जैसे सेल्स, परचेज, अकाउंटिंग के लिए बनाई जाएगी। चैप्टर का ओवरव्यू देखें अपन सबसे पहले। मेरे ख्याल से अब याद भी हो चुका होगा आपको क्या है चैप्टर का ओवरव्यू। सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स एट द फर्स्ट लेवल आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन से 4 टाइप्स है भाई? स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर जो सेकंड स्टेज है हमारी ग्रोथ और एक्सपेंशन, इसके फिर फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे। कौन से 3 है? डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक अलायंस। जहाँ तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है, इसके 2 रूट हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के 3 रूट हैं हमारे पास में। कौन से 3 रूट हैं? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जहाँ तक बात है डाइवर्सिफिकेशन की, उसके 4 रूट आते हैं हमारे। कौन से 4 रूट हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। पहले 2 के साथ इंटीग्रेशन शब्द है, दूसरे 2 के साथ में डाइवर्सिफिकेशन शब्द है। जहां तक वर्टिकल की बात है, इसके भी 2 रूट है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। चैप्टर को भी समझ में आ गया सबको, हमने आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिया इसमें। मई 18 में 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, नवंबर 18 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, मई 19 में 5 मार्क्स आ चुके हैं, और नवंबर में हम एक्सपेक्ट करते हैं 5 या उससे अधिक नंबर के सवाल आप एग्जाम में देखेंगे। पहला सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजी। अभी हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी और उनके अल्टरनेटिव के बारे में बात की, लेकिन क्या इतनी ही स्ट्रैटेजी होती हैं या इससे ज़्यादा हो सकती हैं? तो पहला सवाल है, उसका जवाब है कि इससे ज़्यादा हो सकती है। नंबर 2, अब इन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। उस क्लासीफाई करने के लिए टेबल हमें देखनी है। उस क्लासीफिकेशन में पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू लेवल, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे कौन सी स्ट्रैटेजी होंगी। तो हमने बताया था आपको लेवल के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है भाई? 3, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। सेकंड स्ट्रैटेजी का क्लासिफिकेशन है स्टेजेस ऑफ बिजनेस एनालिसिस साइकिल के हिसाब से। बिजनेस की साइकिल 4 होती हैं। कौन सी 4 होती हैं? इसे अपन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फेज भी कहा करते हैं। ये 4 स्टेजेस हैं हमारी। इंट्रोडक्शन, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या कहलाती है? ग्रोथ। थर्ड क्या कहलाती है? मेच्योरिटी। फोर्थ क्या कहलाती है? डिक्लाइन। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मतलब जो हमारे नीचे वाली होती है, इस पर टाइम दिया हुआ है। वर्टिकल एक्सिस, इस पे हमारा ग्रोथ दिया हुआ है। सो दिस इज बिटवीन ग्रोथ एंड टाइम। 4 स्टेजेस कौन सी देख रहे हैं अपन? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, थर्ड मेच्योरिटी एंड फोर्थ डिक्लाइन। तो अकॉर्डिंग टू इन 4 स्टेजेस पे हम अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। जहां तक स्टेज की पहली बात है, जिसका अपन एंट्री लेवल या इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा तेजी से आगे बढ़े, तो तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है ना, जैसे इस समय आप बात करें, कई हमारे सेक्टर तेजी से मार्केट पेनिट्रेट करते हुए अपनी स्थितियों को बेटर करने की पोजीशन कर रहे हैं। सेकंड होती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ पे कौन सी लेनी चाहिए हमारे को? ग्रोथ और एक्सपेंशन। मेच्योरिटी जब आ जाया करती है, जब मार्केट सैचुरेट हो जाता है, आप तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो बड़ी कंपनियां क्या करती है? जो चल रहा होता है उसी को सस्टेन करती है, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। और डिक्लाइन पे हम अपनी स्थितियों को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा पहले से कम प्रोडक्शन करते हैं, थोड़े लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, खर्चों में कटौती करते हैं, इसको अपन कहते हैं रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिशन के लिहाज से फिर इन्हें कुछ भागों में बांटा गया है। जहां तक बात है कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजीज की, तो 3 होते हैं। चैप्टर 5 में इनको डिस्कस करेंगे अपन। सबसे कम कॉस्ट पे बेचना, इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। जैसे चाइनीज सामान इस समय कॉस्ट लीडर बन के ही मार्केट में टिके हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनके सामने अपने आप को अलग दिखाते हुए ज्यादा पैसों पर माल बेच लेते हैं। जैसे चाइनीज फोन भी आ जाता है 3,500-3,000 रुपये में, बढ़िया वाला, जिसमें आपको स्मार्टफोन की सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन आपको एप्पल भी मिलता है, जिसके लिए आप 70-80 हज़ार रुपये भी पे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इतना दूसरे से अलग कर दिया कि उस डिफरेंशिएटिंग फीचर्स के कारण ही लोग पसंद कर रहे हैं। इन दोनों को बड़े मार्केट सेगमेंट के लिए स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज़ किया जाता है। जब हमारा मार्केट सेगमेंट छोटा होता है, बहुत कम लोग उसे पसंद करते हैं, बड़े लोग उसमें आना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? फोकस, या जिसका एक और शब्द है नीश, NICHE, उस तरीके की स्ट्रैटेजी का प्रयोग करते हैं। सब डिटेल में डिस्कस होनी है, हम तो केवल इसके ओवरव्यू को डिस्कस कर रहे हैं।
सेकंड तरीका कंपटीशन में काम आता है कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी, जब लोग मिलकर काम करते हैं। उसमें एक तरीका जॉइंट वेंचर का होता है जिसमें दो लोग अपनी अपनी एंटिटी बनाए रखते हुए कुछ समय के लिए मिलकर काम किया करते हैं, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। जैसा आपको पता होगा जॉइंट वेंचर के तहत कई सारी कंपनियों ने काम किया हुआ, और मर्जर एंड एक्विजिशन भी हुआ करता है। एक में दो कंपनियां मर्ज होकर एक नई एंटिटी क्रिएट कर देती है और विन विन सिचुएशन पे काम करती है, जबकि एक्विजिशन में एक फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग कंपनी छोटी कंपनी को अपने में मिलाते हुए उसकी एंटिटी को ही समाप्त कर देती है, उसकी एग्जिस्टेंस को ही समाप्त कर देती है। और तीसरा तरीका होता है स्ट्रैटेजिक अलायंस का, जो भी जॉइंट वेंचर जैसा ही है पर दोनों में थोड़ा सा फर्क हुआ करता है। पढ़ेंगे इन सब बातों के बारे में। एक बात हमने और डिस्कस की थी, जितनी भी स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द यूज हुआ है, देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन बिटवीन द डिफरेंट टाइपोलॉजीज। ये जो बताई गई इनके कॉम्बिनेशन भी भविष्य में चल के यूज हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन टू पढ़ना शुरू किया था, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड बताए गए थे आपको, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के कीवर्ड क्या है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आर ऑल्सो नोन एज ग्रैंड स्ट्रैटेजी, ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, बिकॉज दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन इन विच डायरेक्शन यू कैन टेक अप। अब ये स्ट्रैटेजियां चार अलग अलग भागों में क्लासिफाई की जा सकती है, जिनके नाम क्या बताए थे हमने, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। हमने इनके बेसिक फीचर को भी डिस्कस किया था और एक एग्जाम्पल भी याद किया था। सबसे पहले स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल क्या था, पार्ले कन्फेक्शनरी में पार्ले जी, ठीक है। ये कब अडॉप्ट करनी चाहिए, इसका फीचर क्या है, जब फर्म अपने एग्जिस्टिंग काम को, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को एग्जिस्टिंग तरीके से ही करना चाहती है, कुछ भी नया नहीं चाहती उसमें, तो सेम बिजनेस, सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विसेज और इंक्रीमेंटल ग्रोथ के साथ आना चाहते हैं, तो ये तरीका क्या कहलाता है, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में इंक्रीमेंटल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इसमें लिखा भी है, ए फर्म स्टेज विद इन द करंट बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट, मेंटेन द सेम एग्जिस्टिंग एफर्ट एंड इट इज सेटिस्फाइड विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ। एक्सपेंशन बिल्कुल उसका उल्टा है, जैसे पतंजलि की बात कर लो, रिलायंस की बात कर लो, ये सारे लोग तेजी से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। यहां क्या होगा, इंक्रीमेंटल की जगह हम एक्सपोनेंशियल या बहुत बड़ी ग्रोथ चाहेंगे। तो इसके लिए एक शब्द यूज हुआ है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, कई लोग इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कई लोग इसे कहते हैं मैमथ ग्रोथ, MAMOTH, विद इन द करंट बिजनेस और मे बी एंटरिंग इन टू द न्यू बिजनेस। तो ये दो तरीके से हो सकती है, या तो रिलेटेड फील्ड में करेंगे या फिर अनरिलेटेड फील्ड में करेंगे। रिलेटेड भी करते हैं कई लोग, जिसको लोग इंटेंसिफिकेशन के नाम से हमने जाना था पहले, और अनरिलेटेड भी करते हैं जिसको कॉन्ग्लोमेरेट के नाम से भी अपन जाना करते हैं। रिट्रेंचमेंट तब अडॉप्ट करना पड़ता है जब मार्केट में स्थितियां अपने विपरीत हो जाती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो सकता है, मार्केट में ओवर कॉम्पिटिशन हो सकता है, कस्टमर की प्रेफरेंस स्टाइल बदल गई हो सकती है, कई रीजन हो सकते हैं जिस वजह से आपको रिट्रेंचमेंट में जाना पड़ता है। आपको मालूम है इस समय देश की दो एयरलाइंस जेट एंड सहारा रिट्रेंचमेंट में ही गई हुई हैं। ए फर्म रिट्रेंचेस सम ऑफ द एक्टिविटीज इन सम बिजनेस एंड ड्रॉप द बिजनेस एज सच, आइदर थ्रू सेल आउट और लिक्विडेशन। चौथा है कॉम्बिनेशन, जैसे टाटा एंड सन्स जैसी बड़ी कंपनियां जो कि कई तरीके की बिजनेस करती हैं, तो उनमें से कुछ बिजनेस उनके स्टेबिलिटी में चलते हैं, कुछ इनके एक्सपेंशन में चलते हैं, कुछ इनके रिट्रेंचमेंट में चलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, तो ग्रुप कंपनीज की बात करें तो इनके लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी कैसी है, कोई एक या इन सब का कॉम्बिनेशन, तो फिर इसे नाम क्या देंगे अपन, कॉम्बिनेशन, जिसमें दो भी हो सकती हैं और तीनों भी मौजूद हो सकती हैं। When the firm combines the above strategic alternative, मतलब बात हो रही है stability, expansion और retrenchment की, in some permutation or combination so as to suit the specific requirement of the firm, then this type of strategy is known as combination strategy. मेरे ख्याल से अपन ने रिवाइज कर लिया है, और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, no problem with this, चले फिर से आगे। आज अपने चारों स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी क्या होती है, कब उसे परसू करना चाहिए, कौन उसे फॉलो करे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके मेजर रीजन क्या है, इसी टर्म पे हम बात करेंगे। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, कौन उसे फॉलो करे, कब उसे परसू करना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब इन दोनों की अगर मैं केवल बात करूं तो आपको केवल स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को ही ढंग से समझना है। अब आप पूछेंगे साहब क्यों एक्सपेंशन को क्यों नहीं समझना है, क्योंकि वो उसका बिल्कुल रिवर्स है। आपने स्टेबिलिटी के 9 पॉइंट कर लिए तो बिल्कुल उसके रिवर्स बात लिख देंगे तो एक्सपेंशन आ जाएगा। तो कोई एक समझ लो, हम स्टेबिलिटी को पहले समझ लेते हैं, एक्सपेंशन में इसकी 9 उल्टी बातें कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक अपने आप समझ में आ जाएगी, रीजन समझ में आ जाएंगे अपने को। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, शुरू करें फिर। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की बात करें, अभी अपन डिस्कस करके आए, रिवाइज करके आए, हमने क्या बताया, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी वो लोग फॉलो करें, वो एंटरप्राइज फॉलो करें, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करें जो अपने करंट बिजनेस में रहना चाहते हैं, जो अपने करंट लेवल के एफर्ट में काम करना चाहते हैं, जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस में बदलाव नहीं चाहते, जिनको कुछ भी नया करना थ्रेटनिंग लगता है,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं करते हैं और अपने आप सब कुछ हो जाता है, ऐसा है क्या? क्या पार्ले कन्फेक्शनरी को जितना हर साल वो सेल करता है उतनी सेल करने के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ते होंगे या अपने आप ही उतने हो जाते हैं कि लोग घरों से आके ले जाते हैं उनसे? लगाने पड़ते हैं ना। इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को भी परसू करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। कई लोग कहते हैं साहब ये तो डू नथिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ मत करो अपने आप हो जाता है। दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, आपको अगर सेम लेवल के एफर्ट भी लगाने हैं ना तो उतने एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे ना, बिना उसके काम हो जाएगा क्या? अगर पार्ले जी का कोई करोड़ रुपए का बजट है एडवर्टाइजमेंट पे तो वो तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ ये है कि हम उसे बढ़ा के नहीं लगा रहे क्योंकि मार्केट में बेचेंगे किसको, सारा तो हम मार्केट में बेच रहे, लेकिन काम तो करने से होगा ना। इसलिए एक बात कही जाती है, आगे चल के किसी पैरा में आएगी और ये एग्जाम में सवाल भी पूछा गया पुराने कोर्स में, अपने नए कोर्स में तो नहीं पूछा गया, वह ट्रू फॉल्स भी आते थे ना तो उसमें एक सवाल पूछा जाता था, क्या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एक डू नथिंग स्ट्रैटेजी, एक्सप्लेन करें। नहीं, ये डू नथिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डू समथिंग स्ट्रैटेजी है। एटलीस्ट उतने तो काम करने ही पड़ेंगे, उतने तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे जितने प्रयास आप अब तक करते चले आए। स्कूल कॉलेजेस में जब आप पढ़ते हैं तो जो भी आप स्कोर कर रहे हैं, सपोज कोई 9 CGPA स्कोर कर रहा है तो क्या उसे अगले क्लास में भी 9 CGPA स्कोर करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे ही घर से उठ के एग्जाम देने चला जाता है? जब बकायदे वो पढ़ाई करता है और उतना एफर्ट डालता है जितने अब तक डालता आया है ताकि उसके 9 CGPA कंटेंट रह जाए, उतना ही रह जाए, एफर्ट करता है कि नहीं करता है? अगर आप फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं तो फर्स्ट डिवीजन के लिए फिर से एफर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम ये नहीं कह रहे हम टॉप की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं कहते कि हमें मेरिट में आना है, उसके लिए फिर एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन आप चाहते हो इतना भी रह जाए तो इतने रहने के लिए भी तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अपने आप थोड़ी आता है, क्या आता है अपने आप? तो स्टेबिलिटी का मतलब कुछ न करना नहीं है, स्टेबिलिटी का मतलब कुछ न कुछ तो जरूर करना है। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए डू नथिंग स्ट्रैटेजी, रादर इट इज ए डू समथिंग स्ट्रैटेजी, वी हैव टू डू समथिंग, है ना। ये बात खास है इसके बारे में, आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारे लिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में, कीवर्ड समझते चलते हैं अपन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज स्टेबिलिटी। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जो इस समय दुनिया में काम कर रही है, इंडियन और मल्टीनेशनल, क्या उन सब का मकसद कभी ना कभी स्टेबिलिटी प्राप्त करना और स्टेबिलिटी में चलना नहीं है क्या? अच्छा मैं एक दूसरी बात करता हूं, हमने 4 स्ट्रैटेजियां बताई आपको स्टेबिलिटी, ग्रैंड स्ट्रैटेजीज के तौर पे, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी को थोड़े समय के लिए भूल जाओ, मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या सारी जिंदगी एक्सपेंड करता रहूंगा या कभी एक्सपेंड करने के बाद टॉप पे पहुंचने के बाद थोड़ी देर थमूंगा? थमेंगे ना, जब हम थम रहे हैं इसका मतलब क्या है, फिर स्टेबिलिटी तो आ रही है। इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लो अल्टीमेटली आके रुकोगे कहां पे, स्टेबिलिटी पे तो रुको, है ना। अभी खास तौर से बात जो है ना साइकोलॉजी के लोग समझाया करते हैं, कई लोग जो 99 के फेर में ज्यादा आ जाया करते ना, भागते दौड़ते रहते हैं और पूछ भी लिया जाता है, अपने पेरेंट्स से पूछ लो किसके लिए कर रहे हैं तो कहेंगे साहब पेट के लिए कर रहे हैं या तुम्हारे लिए कर रहे हैं, दो ही बातें है ना। हमसे पूछा जाता है ना किसके लिए कर रहे हैं, अपने कहते हैं पेट के लिए कर रहे हैं, तो खाने के लिए तो तेरे पास टाइम है नहीं, खाता तू कैसे? देखो तुम जिनके पास समय की कमी होती है वो कैसे खाया करते हैं, फटाफट 2 से 3 5 मिनट में खाकर बना हो जाया करते हैं। मेरे एक मित्र हैं जोधपुर में, मेरे बिजनेस पार्टनर भी है कई बिजनेसेस में, वो घर पे खाना इतना जल्दी में खाया करते हैं, वो मिसेज उनके कई बार परेशान हो जाया करती है कि समझ में नहीं आती इस आदमी का डील कैसा करो, ऐसे बोलती हैं वो सबके सामने, क्योंकि वो फ़ोन करके रखते हैं, घर पे आ रहा हूँ खाना टेबल पे तैयार होना चाहिए, अच्छा फ़ोन इधर चालू रहेगा और इधर खाते रहते, ना बीवी से बात करने का समय ना कोई और। अभी कुछ समय पहले उनके घर में उनके भतीजे की बहू आई, ठीक है, अब जब उन्होंने अपने काका ससुर को ऐसे खाते हुए देखा ना, तो वो नए लड़कियां तो रुकती कहाँ है, क्लास में बोलती रहती है देखा है अपन ने यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो भी रुकी नहीं, उसने क्या बोला, कैसा करो चाची जी बाहर जो है एक बटन लगवा दो, चाचा जी बाहर से बटन बनाएंगे, आप एक काम करना है खाने को मिक्सी में घोल देना और पाइप के सारे भेज देना, पी लेंगे रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी तो आते 2-3 मिनटों के लिए है। ये सुन के हमारे मित्र को बड़ा झटका लगा, वही तो बोल नहीं पाई इस तरीके से, कोई बाहर वाला आके नया इस फील्ड में, नया आपके परिवार में ऑब्जर्व कर रहा है ना आपको, ये क्या कर रहे हैं आप, अच्छा पूछा जाए क्या कर रहे हो, कि सब पापी पेट के लिए करना पड़ता है, तो पापी पेट के लिए फिर बैठ के ढंग से खाते भी तो कहाँ हो तुम, अच्छा फिर कहते हैं माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, तो बच्चों के लिए टाइम का निकाला तुमने, बताओ कब बैठ गए उनके साथ, तुमने उनकी बातचीत सुन ली, कब उनसे थोड़ा सा बैठ के जो है उनके भविष्य की बातें कर ली, या उनके मित्र लोगों की बातें कर ली, या उनके स्कूल कॉलेज में क्या चल रहा बातें कर ली,
फालतू की बात, दोनों चीजें तो कर नहीं रहे, और हम क्या कहते हैं पापी पेट के लिए कर रहे हैं या फिर। तो ऐसा ही एक साधु, सिकंदर की बात बता रहा हूं मैं, एक रियल घटना है। जब सिकंदर भारत की तरफ आक्रमण करके वापस लौट रहा था तो उसने देखा एक रेत पे एक साधु उलट पलट के मस्त मस्ती से बैठा है। अब घोड़ों की टापों की आवाज चल रही है लेकिन वो आदमी ध्यान ही नहीं दे रहा है। सिकंदर ने अपने सेनापति को भेजा, जाओ इस आदमी को पकड़ के मेरे पास लेके आओ कि हम जा रहे हैं, सिकंदर महान जा रहा है, दुनिया को जीतने वाला, और ये आदमी ध्यान ही नहीं दे रहा। ढूंढो गई अपने तो जिंदगी जीना है ना, थोड़ा सा अपन स्टेटस अक्वायर कर लेते हैं तो फिर अपन क्या चाहते हैं, जितने सामने बैठे हैं सिर झुकाया करो रे मेरे सामने, मैं जब आऊँ तो नमस्कार किया करो मेरे सामने, मेरे को इग्नोर मत करना तुम, है ना, तो ऐसे तैसे फेर दूंगा। ये हमारी आदत हो जाती है, होती एक नहीं होती है। वैन वी अक्वायर सर्टन स्टेटस आइदर इन बिजनेस और इन सोसाइटी और इन वट एवर सेंस। तो सिकंदर ने सेनापति के कहने पर उसको बुलवा लिया, साधु से पूछा कि तुझे मालूम नहीं कि भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तुमने कहा मैं तो अपने ध्यान में मगन हूँ, ये क्या कर रहे हो, मौज और मस्ती में बैठा हूँ मैं यहाँ पे। तो फिर सिकंदर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ और भारत से जो है ये जीत के वापस लौट रहा हूँ। तो उसने कहा एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, साधु ने पूछा कि ये सब आप क्यों करते हैं, कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता था इसलिए मैं करता हूँ, कि उसके बाद क्या करेंगे, कि उसके बाद मैं आराम से रहूँगा, कि तू इतना कुछ करके मारामारी करके दुनिया को पराजित करके गाजर मूली की तरह काट के दुनिया में रक्तपात फैला के फिर आराम से रहेगा, अब तू यहाँ से निकल रहा था मैं तो फिर भी आराम में हूँ, वाई दिस कोलावेरी डी, है ना, क्यों इतना शोर मचाए हुए हैं जब आपको अपनी दो रोटी के लिए ही काम करना है, आपको उसके लिए काम करना है, देन वाई दिस। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी कुछ भी कर लो अल्टीमेटली कहाँ आना पड़ेगा, स्टेबिलिटी पे ही आना पड़ेगा। बात आ गई क्या समझ में कुछ, है कुछ जो है जिंदगी की गहरी बातें भी कर दी है मैंने, हमेशा ही भागते दौड़ते नहीं रहना होता है, कभी स्टेबिलिटी के साथ परिवार के साथ भी समय बिताना होता है, फैमिली के साथ टाइम देना सबसे अच्छी बात है, वरना मालूम पड़ता है ये चीज़ें फैमिली की अगर ऐसी हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैन स्टीव जॉब्स का कहावत है, कभी उसकी कहावत कहला दूंगा, वो कहता है जिंदगी जीना ना 4-5 बॉलों के साथ जादूगरी करने के बराबर है, ठीक है ना। आपको वर्क को बैलेंस करना पड़ेगा, फैमिली को बैलेंस करना पड़ेगा, फ्रेंड्स को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने पर्सनल भी हमारे होता है कि नहीं होता है, अपन पर्सनल स्पेस भी चाहते हैं कि नहीं अब ये समय तो मैं मेरी मर्जी का करूंगा, चाहे कोई गेम खेलना हो, किसी से फोन पर बात करनी हो, टीवी का कोई शो देखना हो, कोई क्रिकेट मैच देखना हो, किसी के साथ गप्पे लड़ने चाहिए कि नहीं चाहिए, वी वॉन्ट आर ओन स्पेस, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बताओ इन सब के बीच में बैलेंस करना जरूरी है या नहीं। अगर आप किसी भी चीज को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते तो अच्छे से समझ लें, सपोज करो आपने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये रबड़ की बॉल है, नीचे गिर भी गई तो बाउंस बैक करती है, ज्यादा काम करना पड़ेगा, आप संभाल सकते हैं। लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स ये दो फ्रेजाइल कांच की बॉल है, एक बार आपने इनको संभाला नहीं तो ये गिर के टूट जाएंगे, वो रिश्ते फिर दोबारा वापस वैसे बनते नहीं है कभी, ठीक है। इसलिए जिंदगी में स्थायित्व बड़ा जरूरी होता है, स्टेबिलिटी इज नेसेसरी इन लाइफ ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द बिजनेस लाइफ टू। आप कब तक एक्सपेंड करेंगे, आप कब तक रिट्रेंच करेंगे, क्या रिट्रेंच करते करते एक दिन समाप्ति हो जाएंगे क्या, क्या साहब ये बंद वो बंद अब सब बंद हो गया, ऐसा करता है क्या कोई, कहीं ना कहीं तो वो रिट्रेंच करने के बाद जो पैसा अर्न करता है वो किसी एक बिजनेस में लगा के फिर से स्टेबिलिटी चाहता है कि नहीं चाहता है। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ लोगों को शेयर मार्केट में लॉस हुआ, रिट्रेंच किया उन्होंने, लेकिन क्या जिंदगी जीना बंद कर दिया, आत्महत्या कर ली क्या, कुछ फिर नया पेरेंटल बिजनेस में चले गए, कुछ काम करना शुरू किया, किसी को रियल एस्टेट में लॉस हुआ तो क्या उन्होंने काम बंद कर दिया क्या, कुछ दूसरा बिजनेस करने लग गए, किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब क्या, हर स्थिति के बाद क्या आता है, स्टेबिलिटी तो आता ही आता है, यही बात कहना चाह रहा है इस पहले स्टेटमेंट में। अब मैं आपको क्यों इतना डिटेल में कह रहा हूँ, हो सकता है May 20 में केस स्टडी बेस्ड सवाल जो कि इंस्टीट्यूट ने दे ही दिए हमारे कोर्स में पूछना ही शुरू कर दे, है ना, हो सकता है अभी थोड़े दिन बाद शायद उनके मॉक टेस्ट पेपर में ऐसा देखने को मिले, तो मैं एक पूरे प्रैक्टिकल रियल केस स्टडी के साथ ही इसको आपके सामने डिस्कस कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, हर बिजनेस एंटरप्राइज में स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। टू सेफगार्ड्स इस एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ टू परसू वेल एस्टेब्लिश्ड एंड टेस्टेड ऑब्जेक्टिव टू कंटिन्यू इन द चूजन बिजनेस पाथ एंड टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑन द स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबल बेसिस टू कंसोलिडेट द कमांडिंग पोजीशन ऑलरेडी अचीव्ड, जो आपने पद प्राप्त कर ली है उस पर बने रहने के लिए भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कोई नंबर वन पे पहुंच गया तो क्या उस पर बना ही रहेगा बिना एफर्ट के, कि कुछ करना पड़ेगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अचीव द पोजिशन ऑफ टॉप, मेहनत करो प्राप्त कर लोगे, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन द पोजिशन ऑफ टॉप, उस स्टेबिलिटी पोजिशन पर टॉप पे स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए भी एफर्ट करने पड़ते हैं।
आईसीसी टी20 ये 50 ओवर्स के मैचों की भी अलग अलग आती है रैंकिंग, तो बताओ उन टीमों को उसी में बने रहने के लिए लगातार मैच जीतने पड़ते कि नहीं पड़ते थे? क्या नहीं साहब, एक जार जीत लिया अब तो दुनिया भर के लिए हम ही हमेशा के लिए हो गए नंबर 1? ऐसा होता है क्या? रैंकिंग आगे पीछे चलती रहती है सबकी, तो आपको उसको स्थिति को बनाए रखने के लिए भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एंड टू ऑप्टिमाइज रिटर्न्स ऑन द रिसोर्सेज कमिटेड इन द बिजनेस, तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परसू करने के हम दो कारण आपको बता रहे हैं। इसी हेडिंग से सवाल बन सकता है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज परसूड बाय द फर्म व्हेन? नंबर 1, इट कंटिन्यूज टू सर्व इन द सेम और सिमिलर मार्केट। स्टेबिलिटी कौन फॉलो करें और क्यों फॉलो करें? जब हम सेम और सिमिलर बिजनेस में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एंड डील्स इन द सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दूसरी बात, द स्ट्रेटेजिक डिसीजन फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। आपको तेजी वाला एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, आप धीरे धीरे वाले इंप्रूवमेंट से खुश है उतना ही आपको लगता है अचीव कर पाएंगे, उतना ही आपको लगता है आपसे हो पाएगा, तब भी आपके लिए कौन सा स्ट्रेटजी है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो दो रीजन हमने क्या बताया, पहला आप सेम और सिमिलर बिजनेस में रहना चाहते हैं, सेम और सिमिलर प्रोडक्ट डील करना चाहते हैं हमेशा। नंबर 2, आप हमेशा इंक्रीमेंटल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहते हैं, इसलिए आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज नॉट ए डू नथिंग स्ट्रेटजी। काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया इसको। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी डू नथिंग नहीं है, रादर इट इज ए डू समथिंग स्ट्रेटजी। तो जैसे मैंने लिख भी रखा है यहां पे, आप भी चाहें तो लिख ले, इट इज ए डू समथिंग स्ट्रेटजी। इट इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ द न्यू डेवलपमेंट टू इंश्योर दैट स्ट्रेटजी कंटिन्यू टू मेक सेंस। स्ट्रेटजी लगातार आपको रिजल्ट देती रहे उसके लिए थोड़े बहुत तो परिवर्तन, इंप्रोवाइजेशन, इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? बिल्कुल कुछ ना करो उससे तो हासिल नहीं होगा कुछ भी, इसलिए आपको क्या करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत अपने आप में समय के साथ बदलाव करते रहना पड़ेगा ताकि आप अपने यथास्थिति को बनाए रख सके। अंग्रेजी में इसके लिए एक वर्ड और होता है, स्टेटस को, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। इसलिए दुनिया की सबसे सेफ्टी ओरिएंटेड अप्रोच है। सेफ्टी ओरिएंटेड क्यों है? नया तो कुछ करना ही नहीं है, जो चल रहा है उसी को संभालना है और उसी के लिए थोड़े बहुत एफर्ट लगाने हैं, तो हमें कुछ बहुत ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस स्ट्रेटजी इज टिपिकल फॉर दोज फर्म हूज प्रोडक्ट हैव रीच टू द मैच्योरिटी स्टेज। और ये कौन लोग फॉलो करें? जिनके प्रोडक्ट ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए, किसके आगे ग्रोथ नजर नहीं आती है, अब जो है वो यही है। जैसे मैं बात करूं हिंदुस्तान में FMCG प्रोडक्टों को लेकर स्थिति ऐसी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, अब जितने भी हैं हिंदुस्तान की पूरी पॉपुलेशन को रोज ही हम दे रहे हैं, तो अब इनके बाद कहाँ, या तो दूसरे देश में जाके माल बेचो जब तक ग्रोथ आएगी, इंडिया में अब किसको और बेच लोगे, जिनको देना था आपने दे दिया, तो फिर सैचुरेशन तो आना ही है। हर चीज की एक लिमिट होती, आज हम 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स सिम के साथ में इस देश में, देश की पॉपुलेशन करीब 135 करोड़ है। ट्राई कहता है 2020 आते आते इस देश में 150 करोड़ सिम बेच चुके होंगे हम, फिर किसको बेचोगे? आपको सब देश की पॉपुलेशन तो 135 करोड़, 150 कैसे बिक जाएंगी? अरे भाई ड्यूल सिम और ट्राई सिम वाले भी तो लोग हैं कि नहीं है? नहीं है, दो दो सिम तो हम ऑलमोस्ट सब लोग यूज कर रहे हैं, एक जियो की और एक अपनी पेरेंटल जो पहले थी सबकी, और एक नहीं हो रही सबके बाद, कई लोग तो ट्राई सिम यूज कर लेते हैं, मोबाइल ऐसे आ भी गए हैं जिसमें 2-3 सिम भी लग जाया करती हैं। तो इनके कारण 150 करोड़ सिम जब आप इस देश में बेच लोगे फिर किसको बेचोगे? फिर तो सैचुरेशन आ गया आपका, अब तो इस कंट्री में बेचने की जगह ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर देश की नंबर 1 कंपनी तब भी वोडाफोन बनी हुई है तो क्या उसे मार्केट से निकलना चाहिए कि भाई अब और बेच नहीं सकते, या उन्हीं 150 में जितना मेरा मार्केट शेयर उनको सर्व करते रहना चाहिए बिकॉज आई एम अर्निंग इनफ? क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए स्टेबिलिटी, क्योंकि आप सबसे बड़े हो इसलिए लगातार बने रहो ताकि आपका इनफ रिटर्न जो आ रहा है स्टेबिलिटी के साथ उससे भी आपका काम चलता रहे। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो फॉलो द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी टू कंसोलिडेट देयर मार्केट पोजीशन एंड प्रिपेयर फॉर द लॉन्च ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटेजी। छोटी फर्में भी इसको फॉलो करती है और मेच्योरिटी वाली स्टेज की फर्में भी फॉलो करती है। आओ अब 9 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं जो स्टेबिलिटी के बारे में हमें समझनी है, और बिल्कुल इन 9 की इमीडिएटली रिवर्स भी समझते चलेंगे, फिर केवल एक्सपेंशन पढ़ना ही रहेगा हमारे को। 9 जो हम स्टेबिलिटी में देखेंगे वही 9 अपन किस में देखेंगे? एक्सपेंशन में देखेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, आप केवल कीवर्ड को अंडरलाइन कर ले, बाकी मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं आपके लिए। ए फर्म ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी स्टेज विद इन द सेम बिजनेस। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
सेम बिजनेस में रहना है, सेम मार्केट में रहना है, सेम प्रोडक्ट बनाना है, सेम सर्विसेज देनी है। जब आप सेम लेवल के एफर्ट की बात करते हैं तो फिर आपके लिए एक ही स्ट्रैटेजी है जिसका नाम क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। तो सेम बिजनेस वर्ड यूज करो इसके लिए। नंबर टू, द एंडेवर इज टू इन्हेंस फंक्शनल एफिशिएंसी इन द इंक्रीमेंटल वे। दूसरी बात क्या है, आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ में बिलीव करते हैं, इसका रिवर्स क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पहली में क्या था, सेम बिजनेस, एक्सपेंशन में क्या है, सेम और डिफरेंट बिजनेस, दोनों हो सकते हैं, रिवर्स की बात करूं तो मैं। थर्ड पॉइंट, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डज नॉट इन्वॉल्व ए रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। स्टेबिलिटी में आपको बहुत कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका बिजनेस जैसा था वैसा ही चलता रहता है, जबकि एक्सपेंशन में बहुत कुछ नया करते हैं, बिजनेस के तौर तरीके बदल सकते हैं, बिजनेस के काम करने के साथ साथ बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज भी कई और एनहेंस हो सकती है, बदल सकती हैं, नई जुड़ सकती हैं। तो बताओ एक्सपेंशन में नया डेफिनेशन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, और स्टेबिलिटी में नया कुछ भी खास नहीं हुआ करता है। फोर्थ, इट इज बेसिकली सेफ्टी ओरिएंटेड स्टेटस को ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, सेफ्टी ओरिएंटेड एंड स्टेटस को, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, जबकि एक्सपोनेंशियल में रिस्की होगा, उसमें सेफ्टी नहीं होने वाली, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट, ये तो नेम गेम का नियम है ना, ये तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतने ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप सेफ्टी में रहना चाहते हो तो फिर आप स्टेबिलिटी में रहो, जो चल रहा है उसी से संतुष्ट रहो। नेक्स्ट, इट डज नॉट वॉरंट मच ऑफ द फ्रेश इन्वेस्टमेंट। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा होता है, तो क्या आपको बहुत ज्यादा नए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है क्या, जो चल रहा है उतने ही पैसों से काम चलाना है। लेकिन जब आप कहते हो मैं एक्सपेंड करूंगा, एक्विजिशन एंड मर्जर में जाऊंगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस करूंगा, ज्वाइंट वेंचर करूंगा, मैं डाइवर्सिफाई करूंगा, कंसेंट्रिक या कॉन्ग्लोमरेट में जाऊंगा, तो फिर इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आप बहुत कुछ पैसा पंप करने जा रहे हो, अपने बिजनेसेस में डालने जा रहे हो। इसका मतलब एक्सपेंशन नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट मांगता है, उसमें बहुत नया पैसा लगता है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स माइनर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ही आएगा, तो नए प्रोडक्ट लाओगे तो वो थोड़े बहुत बदलाव के साथ ही लाएंगे, है ना। थोड़े बहुत बदलाव का क्या मतलब होता है, जैसे मोबाइल फोन की बात करें तो स्क्रीन की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई, कैमरे में थोड़े ज्यादा मेगापिक्सल दे दिए, कैमरे तो पहले भी थे लेकिन थोड़े ज्यादा मेगापिक्सल दे दिए, तो ये थोड़ा बहुत हम इंक्रीमेंट ले आते हैं, ये स्टेबिलिटी के साथ संबंधित होता है। लेकिन ऑल टुगेदर एक नए जनरेशन का मोबाइल फोन ले आओ जो अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ऐसी नई फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की हो जो पहले कभी नहीं मिली है, तो फिर वो एक्सपेंशन की बात मानी जाएगी। द रिस्क इज ऑल्सो लेस। स्टेबिलिटी में क्या होता है, रिस्क कम हुआ करती है, जबकि एक्सपेंशन में रिस्क ज्यादा होती है। विद स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी द फर्म हैज अ बेनिफिट ऑन कंसंट्रेटिंग टू इट्स रिसोर्सेज। जहां तक बात है अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ काम करके लेना, तो वो किस में सबसे ज्यादा मिलेगा हमारे को, स्टेबिलिटी में, क्योंकि जो रिसोर्स है और जो बिजनेस है इन्हीं को एक साथ तालमेल बिठा के काम करना है। जबकि एक्सपेंशन में क्या होता है, रिसोर्सेज तो उतने ही होते हैं या थोड़े और ऐड करते हैं, लेकिन हमारे काम भी डाइवर्सिफाई हो जाया करते हैं। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को एग्जिस्टिंग बिजनेस पे ध्यान देने का काम स्टेबिलिटी में होगा, जबकि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का नए बिजनेस पे भी ध्यान देना एक्सपेंशन में होगा। नेक्स्ट है, द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एम्प्लॉइंग द स्ट्रेटेजी इज क्वाइट मॉडेस्ट। अगर आप ग्रोथ ऑब्जेक्टिव की भी बात करते हैं तो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है हमारे यहाँ पे, मॉडेस्ट होता है। मतलब ग्रोथ भी कैसी होगी आपकी, इंक्रीमेंटल टाइप की होगी, मॉडेस्ट टाइप की होगी। तो कुल मिला के 9 अलग अलग पॉइंट हो गए हमारे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर याद रहेंगे। 2 तो हमने परसों के रीजन बताया आपको, कैसे शुरू हुआ ये टॉपिक। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, जो लोग सेम बिजनेस में सेम मार्केट में रहना चाहते हैं और कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल ग्रोथ के साथ चाहते हैं। कौन फॉलो करे इसको, जो सेम और सिमिलर बिजनेस में रहना चाहते हैं और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ये एक डू नथिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये डू समथिंग स्ट्रेटेजी है। उसके बाद इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी अपन ने, जो सेम बिजनेस में रहे। सेकंड क्या पढ़ी अपन ने, जो इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट चाहे। थर्ड क्या पढ़ी अपन ने, जो बहुत ज्यादा बिजनेस में रीडेफिनेशन नहीं करे। चौथा क्या पढ़ा अपन ने, सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी को। पांचवी क्या पढ़ी, मच ऑफ द फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज नॉट नीडेड। नेक्स्ट क्या पढ़ा, माइनर इंप्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ी, रिस्क इज ऑल्सो नेस। नेक्स्ट क्या पढ़ा, कंसंट्रेट करता है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट क्या पढ़ा, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव मॉडेस्ट होता है। बात आई क्या सबको समझ में। अब मैं अगर इन्हीं 9 बातों को रिवर्स कर दूं तो कौन सी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, एक्सपेंशन। आओ इन्हीं 9 को रिवर्स करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी। अच्छा कंपैरिजन भी देख लो। एक सवाल ऐसा हो सकता है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो आप क्या कर सकते हैं, 9 पॉइंटों को साइड बाय साइड कंपेयर करके टेबल बना के लिख दो। इधर स्टेबिलिटी का पहला पॉइंट क्या है, विद इन द सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट। इधर क्या है, मे ऑल्सो बी इन द डिफरेंट बिजनेस, ये एक एडिशनल जुड़ता है। सेकंड बात क्या है यहाँ पे, इंक्रीमेंटल। इसमें कितना है, एक्सपोनेंशियल और मेहमत। थर्ड इसमें क्या है,
नॉट ए रीडेफिनेशन, नो रीडेफिनेशन. इसमें क्या है, ए टोटल रीडेफिनेशन. इधर क्या है, सेफ्टी ओरिएंटेड. इधर क्या है, रिस्की प्रपोजिशन. इधर क्या है, नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट. इधर क्या है, मच ऑफ द फ्रेश इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या है, माइनर इंप्रूवमेंट. इसमें क्या है, मेजर इंप्रूवमेंट. इसमें क्या है, रिस्क इज लेस. इसमें क्या है, रिस्क इज मोर. इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज स्टेबिलिटी में. इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज ऑल्सो एंड डिफरेंट बिजनेसेज ऑल्सो. इधर लास्ट क्या है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव मॉडरेट. इसमें क्या है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव एक्सपोनेंशियल, बहुत ज्यादा. बात आई क्या सबको समझ में, कोई डाउट है किसी को समझने में? तो हमने एक साथ दो स्ट्रेटेजी पढ़ ली, स्टेबिलिटी और सेकंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. अब आ जाओ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के मेजर रीजन समझ लिए जाएं. भाई किसी को स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों पसंद आती है थे? तो उसके कुछ कंपेलिंग रीजन बताए गए हैं. वो चार पांच रीजन हम यहां देखने जा रहे हैं. सबसे पहला, कब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को लोग पसंद करते हैं? When the product has reached to the maturity stage of product life cycle. जैसे मैंने बताया था चार stages होती है product life cycle की. पहली introduction, second growth, third maturity, third decline, fourth decline. तो जब maturity पे आपका product आ जाएगा तो फिर further growth तो होने की संभावना नजर नहीं आ रही है. ऐसी स्थिति में आप बड़े player हैं तो आपको क्या follow करना चाहिए? जो चल रहा है उसी को चलने दो. तो ऐसे लोग product और services के लिए क्या follow करेंगे? Stability strategy. ये एक major reason है. Number two, it is less risky and it involves less change and staff feels comfortable with the things as they are. आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में मैक्सिमम लोग स्टेबिलिटी को चाहने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों को कुछ भी नया करना थ्रेटनिंग लगता. बाय नेचर एवरी ह्यूमन बींग हमारा माइंड सेट ऐसा है, जो चल रहा है उसमें बदलाव मत करो. कुछ लोग ही होते हैं जो हर समय कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं. बाकी मैक्सिमम लोग क्या जाते हैं, जो बिजनेस चल रहा है चलते रहने दो, जो एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लगाते रहने दो, जो आ रहा है उतना ही आने दो, है ना. कई लोग कहते थे अपने ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी, जो चल रहा है ठीक है. इसका मतलब उसका माइंड सेट कैसा है, स्टेबिलिटी चाहने वाला है, क्योंकि उसको कुछ भी नया करना रिस्क जैसा लगता है. उसको लगता है इस बड़े को करने गया ये पुराना मेरा खराब नहीं हो जाए, इसलिए वो एफर्ट्स ही नहीं डालते. ऐसे लोग कौन से चाहते हैं स्ट्रेटजी? स्टेबिलिटी चाहते हैं. तो दूसरी बात, स्टेबिलिटी चाहने की क्या है, ये लेस रिस्की है, इसमें चेंजेस कम है, और कई लोग इस स्ट्रेटजी को फील करते हैं कि उनके लिए ही बनी है, कंफर्टेबल हैं हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में, क्योंकि हमारा माइंडसेट और हमारी स्ट्रेटजी कॉन्साइड करती है. जैसा हम सोचते हैं वैसी स्ट्रेटजी है ये. नंबर थ्री, द एनवायरमेंटल फेज इज रिलेटिवली स्टेबल. जब मार्केट में ही बहुत तेजी से बदलाव नहीं हो रहे तो फिर क्या आपको कुछ तेजी से चलने की आवश्यकता है क्या? सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो फिर क्या अपन अपने से कुछ ऐसा कर लेते हैं क्या? और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर कई बार वो बुमेरंग नहीं हो जाता क्या, रिवर्स नहीं आ जाता क्या, उल्टा आपके ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है? पानी एकदम शांत पड़ा, आपने कंकड़ मार दिया, लहरें उठनी शुरू हो गई उसके अंदर. अब बार बार आप ऐसे कंकड़ फेंकते रहे, सपोज करो अंदर कोई जंगली जानवर ही बैठा हो उसके अंदर, उसने मुंह निकाल दिया, फिर क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाती है कई बार, है ना. कई बार आदत होती है लोगों की, पौंड के किनारे इसके किनारे बैठे होते हैं तो पाँव से छपाक छपाक करके पानी चलाते रहते हैं. अब शांत पानी बैठा था तो अंदर जीव जंतु भी ठीक बैठे थे, मगरमच्छ हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकती है उसके अंदर, लेकिन आपने उसको क्या किया, शांत रहने ही नहीं दिया. शांत रहने नहीं दिया तो बताओ इस कुचमाती का असर वापस तो आएगा कि नहीं आएगा आपको? कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर पड़ेगा, ये तो होता है, है ना, ये रिवर्स आएगा आपके ऊपर. इसलिए कोशिश करें, अगर एनवायरमेंट स्टेबल है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी चेंज करने का प्रयास ना करें. नेक्स्ट, एक्सपेंशन में बी परसीव्ड एज बीइंग थ्रेटनिंग. कई लोगों को एक्सपेंशन करना, पैसे का इन्वॉल्वमेंट करना, नए बिजनेस की तरफ जाना, उनको लगता पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा, उनको थ्रेटनिंग लगता. ऐसा देखा होगा आपने, आप जब भी किसी को कुछ नया करने के लिए कहेंगे वो दो बार सोचते हैं इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. उनसे पूछा जाए मेजर रीजन क्या है तो उनको लगता है यार इसमें पैसा इन्वेस्ट करके फिर इसे वापस निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो अच्छा है इसको ना ही किया जाए, इतना रिस्क लेके मैं काम नहीं करना चाहता. होता कि नहीं होता है? एक बार किसी ने एक पोजीशन अक्वायर कर ली, स्टेटस अक्वायर कर लिया, फिर हम उसको जाके सिखाएं आज हम तेरे पैसे डबल करके देते हैं, वो कहे यार मैंने जितना करना था सब देख लिया, अब इससे ज्यादा मेरे रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, ना मैं लेना चाहता हूं, मेरे जो चल रहा है ठीक है, आई एम गुड, तो फिर वो शायद इसको फॉलो नहीं करेगा. तो चौथा कारण हमने बताया, एक्सपेंशन कई लोगों को थ्रेटनिंग लगता है. बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सपेंशन को बाय नेचर फॉलो करते हैं. हर व्यक्ति क्या चाहता है, जो चल रहा है उसी से वो संतुष्ट है. और पांचवी चीज क्या है, कंसोलिडेशन इज सॉर्ट थ्रू स्टेबिलाइजिंग आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन. जैसे मैंने कहा
कुछ भी स्ट्रेटेजी दुनिया के अडॉप्ट कर लो, अल्टीमेटली वापस आके रुकना किस पे पड़ेगा? स्टेबिलिटी पे। बहुत सारी ग्रोथ कर ली, फिर रुकोगे स्टेबिलिटी पे। बहुत सारा रिट्रेंच कर दिया, रुकोगे। बहुत सारा कॉम्बिनेशन कर दिया, रुकोगे स्टेबिलिटी पे ही। तो पांच हमने रीजन बता दिया आपको क्यों स्टेबिलिटी चुनना चाहिए। पहला रीजन क्या है? मैच्योरिटी स्टेज पे आपका प्रोडक्ट सर्विस है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा क्या है? इसमें रिस्क कम है और लोगों को ये साइकोलॉजिकल ठीक लगता है। तीसरा क्या है? इन्वायरमेंट भी स्टेबल है इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ क्यों कर लूं। और चौथा, एक्सपेंशन कईयों को थ्रेटनिंग लगता है, वो इसलिए उस पर जाते नहीं है। और पांचवा, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लो, अल्टीमेटली आपको रुकना तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। क्या बात आई सबको समझ में? क्योंकि डाउट है इसको समझने में? तो अब हमने देखो इसमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को चार अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ा है। सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन, फिर क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों परसू करनी चाहिए, फिर क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की नौ कैरेक्टरिस्टिक, फिर क्या पढ़ा? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के मेजर रीजन जो पांच थे। बात आई क्या समझ में? डिजिटल पन्ना दिमाग में बन जाना चाहिए। हाँ अनुराग, नहीं सेम ही है लेकिन उन्होंने अलग अलग हेडिंग से दे रखे हैं, तो अपन भी ऐसे याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब वही निकल के आ रहा है, बार बार यही कहा जाएगा, लेकिन एग्जाम में कई बार सवाल ऐसा बनता है। क्या सवाल बनता है? व्हाई द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी परसूड, एक्सप्लेन। तो वो दो रीजन ही बताने हैं, सेम और सिमिलर बिजनेस और इंक्रीमेंटल ग्रोथ। फिर कहता है मेजर रीजन क्या है, तो ये पांच बातें ही बतानी है। ठीक है, बात वही है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट एग्जाम में जो सवाल पूछेगा मैंने बता दिया उसके चार तरीके। कौन से चार तरीके? सबसे पहला स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन, दूसरा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कब परसू होती है, तीसरा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की करेक्टरिस्टिक, चौथा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के मेजर रीजन। अब यही चार बातें किसकी होंगी? एक्सपेंशन की होंगी। तो मेरे ख्याल से रिवर्स करते ही बातें समझ में आ जाएंगी अपने को। तो स्टेट अवे पढ़ ले, बात तो समझ में आ चुकी है अपने को। तो पढ़ते हैं अपन सेकंड स्ट्रेटेजी, फिर चले जाएंगे अपन ब्रेक में। ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन किसकी उल्टी है भाई? स्टेबिलिटी की। जो बातें हमने स्टेबिलिटी में की थी उसकी सारी रिवर्स बातें कहां करने जा रहे हैं अपन? ग्रोथ और एक्सपेंशन में करेंगे। तो देखें और अंडरलाइन करते चले। ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज इंप्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस। क्या रीडेफिनेशन था बिजनेस का, या जो चल रहा था वो था? जो चल रहा था वो था स्टेबिलिटी, और अगर इसको रीडिफाइन कर रहे हैं, नए तरीके से बना रहे हैं, तो फिर इसको हम कहेंगे एक्सपेंशन। बाय इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ द बिजनेस, बड़ा किया आपने, एंड सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। स्टेबिलिटी में तो ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं थी, यहां पे बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। इट इज ए पॉपुलर स्ट्रेटजी। पॉपुलर वर्ड किसके साथ जुड़ गया? एक्सपेंशन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ नहीं जुड़ा है। मेजोरिटी ऑफ लोग यूज जरूर करते हैं लेकिन पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर वर्ड जो जुड़ा हुआ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेजॉरिटी ऑफ पर्सन यूज करते हैं, वो स्टेबिलिटी जरूर है पर पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर वर्ड किसके साथ आ गया हमारा? एक्सपेंशन के साथ में। पॉपुलर स्ट्रेटेजी दैट नीड्स टू बी इक्वेटेड विद डायनामिज्म, तेजी से आगे बढ़ना, विगर, मार्केट में पेनिट्रेट करके कंपटीशन में दूसरों से आगे निकलना, प्रॉमिस कि आगे एक अच्छी अवस्था नजर आती है कि हम नंबर वन पोजिशन में पहुंच जाएंगे, सक्सेस। कई लोगों को संतुष्टि ही तब मिलती है जब वो कुछ बड़ा कर लेते हैं। कई लोग ईगो के लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाई तब पाते हैं जब वो अपनी इंडस्ट्री के टॉप पे होते हैं, है ना? छोटा मोटा कुछ करना उनके फितरत में नहीं होता है, करेंगे तो कुछ बड़ा ही करेंगे, और इतना बड़ा करेंगे कि आसपास सब दूसरे लोग बौने नजर आए। होते कि नहीं होते कुछ लोग ऐसे? आपने देखा होगा, वो छोटा मोटा कोई काम हाथ में उठाते ही नहीं, हमेशा कोई बड़ा काम ही उठाएंगे, जिसको मतलब दूसरे लोग करने से डरते होंगे, ये शुरुआत ही उस काम से कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? ये लोग एक्सपेंशन माइंडसेट के लोग हैं, ये कुछ इनलार्ज करके काम करेंगे, ये कुछ लार्ज स्कोप को ध्यान में रखते हुए करेंगे, और ये सब बातें स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के रिवर्स जाया करती हैं, स्टेबिलिटी की एकदम उल्टी जाया करती हैं। एक्सपेंशन ऑल्सो इंक्लूड डाइवर्सिफाइंग, एक्वायरिंग एंड मर्जिंग द बिजनेसेस, ऐसा अपन ने चार्ट के ओवरव्यू में देखा था। दिस स्ट्रेटेजी में टेक द एंटरप्राइज अलॉन्ग रिलेटिवली अननोन एंड रिस्की पाथ्स। जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो कौन से रास्ते पे चलते हैं? कुछ अननोन होते हैं आपके लिए, मतलब नए फील्ड में जा रहे हो, आज तक आपने नहीं किया, और ये साथ में रिस्की भी बहुत होते हैं, फुल ऑफ प्रॉमिसेस एंड पिटफॉल्स। उसमें बहुत सारे संभावनाएं भी हैं कि आप बहुत कुछ कर लोगे, और बहुत कुछ गड्ढे भी हैं जिनमें आप गिर के अपने आप को समाप्त भी कर सकते हो। तो ये एक ऐसा रिस्की प्रपोजिशन है जिसका लाभ भी मिल सकता है, और अगर आपने प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं किया तो हो सकता है जो कर रहे थे उससे भी बदतर हालात में चले जाएं। डेक्कन एयरवेज का नाम सुना होगा शायद आपने, आज से करीब करीब इस बात को 10 साल से ज्यादा हो रहा है। अब इस देश में एक नई एयरलाइंस आई और वो चलाने वाला उसका
बंदा कौन था इसको एयरलाइंस के तौर पे लाने वाला? कैप्टन एस गोपीनाथ। उसने कहा मार्केट में हम ऐसा करते हैं केवल मेट्रोज के बीच में ही विमान ले जाते हैं, मेट्रोज के बीच में खूब लोग आते जाते हैं और सबसे सस्ती कॉस्ट एयरलाइंस लाएंगे हम, क्रांतिकारी कदम भारत के लिए। कितने रुपए में? ओनली 500 रुपीज़। 500 रुपये में दिल्ली मुंबई, 500 रुपये में दिल्ली चेन्नई, 500 रुपये में दिल्ली कोलकाता, सिर्फ 500 रुपये, फ्यूल सरचार्ज वगैरह सब शामिल। तरीका कैसा है? जैसे बस स्टॉप पे होता है, बस भर गई रवाना, टाइम शेड्यूल भी है और टाइम शेड्यूल के बाद कुछ ग्राहक रह जाते हैं तो इमीडिएटली दूसरी फ्लाइट लगा देंगे। ऐसा नहीं कि हमने 2 बजे की फ्लाइट उड़ा दी तो अब बाकी की फ्लाइट शाम को 5 बजे, नहीं, 2 बजे उड़ गई, कुछ ग्राहक खड़े हैं, इमीडिएटली एक दूसरी फ्लाइट लगाई, उनको भी ले जाओ, क्या दिक्कत है? अब उन्होंने ये शुरू तो कर दी, इमीडिएटली रश भी मिलने लग गया। लेकिन आप सोचो, उन्होंने ये सोचा था कि पहले 500 रुपये आदत लगा देंगे, एक बार स्टेबल हो जाएगा फिर हम रेट बढ़ा देंगे। अब ये हुआ कि जैसे उन्होंने 500 रुपये किया तो मालूम पड़ा किसी और का मार्केट शेयर आपकी तरफ आने लग गया, तो उन्होंने भी अपनी रेटें घटानी शुरू कर दी। कोई 1000 रुपये पे आ गया, जेट एयरवेज 1200 रुपये पे आ गया, तो लोगों ने कहा 500 और 1200 में ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, जेट जैसी एक पुरानी एयरलाइंस लेते हैं, ये फिर क्या करते थे 500 रुपये में कुछ एडिशनल फैसिलिटी विमान में नहीं देते थे, वो पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ेगा। लो कॉस्ट एयरलाइंस में आजकल भी ऐसा है, इंडिगो विंडिगो में भी चलोगे ना तो पानी भी नहीं परोसते, वो पानी के लिए भी शायद पैसा लगता है उनके कुछ एयरलाइन में, और जहाँ वो खाने पीने का ले लिया करते हैं आपसे एडवांस, वो खाना पीना भी दिया करते हैं, तो अंदर कोई पैकेट नहीं देते थे खाने का, ना नो लंच नो ब्रेकफास्ट नो डिनर, रेटें भी फिर वैसी है ना। तो अब क्या हुआ, दूसरे लोगों ने भी रेटें कम करनी शुरू कर दी, ओवरऑल इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ गया। और हुआ क्या, जेट एयरवेज डेक्कन एयरवेज जो अपने आप को हिंदुस्तान की एक बड़ी एयरलाइंस के तौर पे स्थापित करना चाहता था, रिस्क इतनी हो गई कि वो बंद ही हो गई, और बंद हुई तो उसको खरीदा किसने, विजय माल्या ने, और नाम बनाया उसका किंगफिशर एयरलाइन, वो भी डूब गई। ठीक है, अब उसको कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है, डूबी हुई चीज को लेके चलाना हर एक के बस की बात नहीं हुआ करती। ठीक है ना, तो आपने देखा रिस्क की और पिटफॉल्स का मतलब समझ में आया आपको, कि कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे लेकिन चूंकि वो नया रास्ता है, नया बिजनेस है जिसके बारे में हमें कुछ नोन नहीं है, उसकी ABCD नहीं पता है, तो फिर हम जेड तक पहुंचने की जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही डालते हैं। और इसीलिए कहा जाता है रिस्क बड़ी है तो प्रॉफिट भी बढ़े और साथ में पिटफॉल्स भी वहां बड़े हुआ करते हैं। आओ अब 9 बातें कर लेते हैं अपन ग्रोथ और एक्सपेंशन की, जिनको कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर याद रखना है। यहां वो चीजें ऊपर नीचे दे रखी हैं, जैसे स्टेबिलिटी में दे रखी हैं, आप तो उसी आधार पर याद कर लोगे, आपको यहां ऊपर नीचे नजर आ जाएंगी। पहली बात क्या है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशन। ये रीडेफिनेशन की बात मुझे देख के बताओ किसमें थी, स्टेबिलिटी में कौन सा पॉइंट था स्टेबिलिटी का रीडेफिनेशन, थर्ड था, यहां कौन सा दे दिया इसने, फर्स्ट दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 9 के 9 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरा इट इज ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, है ना, ये तो मैं बार बार कह ही रहा हूं, किसकी ऑपोजिट है ये, स्टेबिलिटी की ऑपोजिट है। इसमें बिजनेस ग्रोथ कैसी होती है, मैमथ होती है, मैमथ का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल, बहुत ज्यादा, उसमें लास्ट पॉइंट था ये क्वाइट मॉडेस्ट, ध्यान आ रहा है। नेक्स्ट रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट, उसमें था कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती स्टेबिलिटी में, यहां क्या होता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज ए हाईली वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले, जिसको समय के अनुसार फ्लेक्सिबल तरीके से बदला जा सकता है। क्या इतनी तेजी से आप स्टेबिलिटी को बदल सकते हो क्या? स्टेबिलिटी का मतलब होता है जैसा चल रहा है वैसे ही चलाओ, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होंगे, जबकि एक्सपेंशन में आप बहुत ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ फ्लेक्सिबली बदलाव कर सकते हो। सो इट ऑफर सेवरल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होल्ड्स विद इन इट्स फोल्ड टू मेजर स्ट्रेटेजी रूट, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे पीछे चार्ट में अपन ने देखा क्या था, क्या दो तरीके कौन से थे यहां पे, एक इंटेंसिफिकेशन एक डाइवर्सिफिकेशन। तो यहां पॉइंटों की मात्रा भले ही कम हो गई हो लेकिन आप वो 9 पॉइंट स्टेबिलिटी की याद रखें, उन्हीं से अपन 9 पॉइंट एक्सपेंशन के बना लेंगे। बात आ गई क्या सबको समझ में, कोई डाउट? आ जाओ इसके मेजर रीजन पढ़ लें अपन, क्या है इसके मेजर रीजन, वहां 5 बताए थे या 4 बताए, आप उन्हीं 5 को यहां पे बता सकते हो उसके रिवर्स में। पहला क्या है, मेजर रीजन्स, इट बिकम्स इंपेरेटिव व्हेन एनवायरमेंट डिमांड इंक्रीज द पेस ऑफ एक्टिविटी। वहां क्या कहा था, इन्वायरमेंटल स्टेबल था इसलिए हम अपनी तरफ से चला के क्यों करें कुछ। यहां क्या कह रहा है, जब आपका इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है तो फिर ये जरूरी हो जाता है एज ए इंडस्ट्री एज ए एंटरप्राइज एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं भी अपने आप को तेजी से अडॉप्ट कर लूं बदल लूं, वरना मालूम पड़ा मैं ही मार्केट से आउट हो जाऊंगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर आपके प्रोडक्ट की अब डिमांड घट रही है और आप जैसे और कॉम्पिटिटर की भी प्रोडक्ट की डिमांड घट रही है, इसका मतलब लोगों की प्रेफरेंस और स्टाइल में परिवर्तन आ चुका है।
इसका मतलब अब आपको भी बदल जाना चाहिए, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आओ, क्योंकि पुरानी चीजों की तरफ अब लोगों का ध्यान उतना जाता नहीं है। और अगर आप अपने आप को तेजी से बदलते नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहे हो आप, तो फिर आपको दुनिया बदल देगी। समय के साथ बदलाव ही एक नियम है, परिवर्तन अवश्यंभावी है, चेंज इज इनएविटेबल, वर्ड यूज किया जाता है, फ्रेज है ये, चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन तो होके ही रहेगा, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम कोशिश कर सकते हैं वो डिले किया जा सके, लेकिन आप चाहो कि हम इसको रोक देंगे, किसी के बस की बात नहीं है इसे रोकना, किसी के बस की बात है। फायदे भी होते हैं उससे, नुकसान भी होते हैं उससे, लेकिन परिवर्तन तो आके ही रहता है। जैसे चाइना इस समय खूब कोशिश कर रहा है हांगकांग में बदलाव ना हो, और वो लोग लिबरेशन के मूड में, अब ये लंबा चल सकता है, लेकिन आप सोचो चाइना भी इसे दबा लेगा इस सोशल मीडिया के युग में, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 90 की बात अलग थी, जब थियानमेन चौक में चाइना ने अपने स्टूडेंट के ऊपर टैंक चला दिए थे, टैंक से रौंद दिया उनको। चाइना में बीजिंग में थियानमेन स्क्वायर है, 200 फुट चौड़ी रोड की सड़क, वहां पे लोग इकट्ठे हुए 90 के दशक में कि हमको लोकतंत्र चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारा कम्युनिज्म। हजारों की संख्या में स्टूडेंट इकट्ठे हुए यूनिवर्सिटी के, कुछ दिन तक तो कुछ नहीं किया चाइनीज सरकारों ने, फिर उन्होंने देखा दबाव बढ़ता चला जा रहा है तो क्या किया, मीडिया वीडिया को हटाया वहां से, और टैंक गोले नहीं दागे, टैंकों से रौंद दिया। दादागिरी, अब कैसा कर सकते हैं क्या हांगकांग में, वो दुनिया की मीडिया लगी हुई है, अब वो ऐसा करे तो इतने सैंक्शन अब चाइना के ऊपर दुनिया वाले लगा देंगे कि चाइना ही नहीं जी पाएगा। अभी तो अमेरिका ने ट्रेड वॉर छोड़ा है जिसकी हालत खराब रखी है उसकी। ट्रंप ने क्या बोला, चाइनीज सामानों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, भले ही WTO समझौते में हमारे देश के बिजनेस खराब नहीं होने चाहिए, तो उस देश की सरकार को हक है ना, है नहीं? तो उसने अमेरिकन फर्स्ट नीति के तहत अमेरिकन कंपनियों को सुविधा दे रखी है अच्छे से व्यापार करने के, अमेरिका में चाइना कंपनियों को नहीं दिए। सबसे बड़ा मार्केट अब देखें तो अमेरिका और इंडिया ही तो है, चाइना का दो ही है। और अगर हम भी ऐसी नीति अपना लेते हैं तो चाइना वैसे भी इकोनॉमिक स्लोडाउन में जा चुका है और चला जाएगा, और मोदी जी के सामने तो ये अवसर है चाइना की पूरी हेकड़ी निकाल दे, क्योंकि आज पाकिस्तान को बैक कौन कर रहा है, चाइना तो कर रहा है, तो पाकिस्तान को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका चाइना को तोड़ दो, और चाइना टूटा तो हमारे भी आराम है ना, अरुणाचल में प्रॉब्लम करेगा ना हमारे कश्मीर में प्रॉब्लम खड़ी कर पाएगा, ये तो एक समय है ना हमारे पास में, कर लेना चाहिए अपने को, और लगे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हुए होंगे, पता तो उनको भी सब है। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम रिस्क आती है तो हमें रिस्क के साथ डील करना भी आना चाहिए। मेजर रीजन की बात करते हैं अपन, इंक्रीमेंटल फेज के साथ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। नंबर टू, स्ट्रेटेजिस्ट में फील मोर सेटिस्फाइड विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ फ्रॉम देयर एक्सपेंशन। हम में से कई लोग साइकोलॉजिकली तभी सेटिस्फाई होते हैं जब वो कुछ नया कर लेते हैं, कुछ नाम कर लेते हैं, कुछ नई इन्वेंशन कर लेते हैं। मैं तो कहूँ छोटी मोटी नई रेसिपी भी कोई बना लेता है ना घर में, तो बता बता के सबको खिलाता है, मैंने बनाया मैंने बनाया मैंने बनाया। जब इतना ही छोटे लेवल पे, जबकि वो शेफ नहीं है, लड़का या लड़की जिसने भी बनाया वो शेफ नहीं है, लेकिन चूंकि उसने एक नई चीज की है, दूसरे दुनिया के लिए हो सकती है नॉर्मल हो, पर उसके लिए तो नया है ना, पहली बार खाना बनाया, बड़ी बात हो जाती है, तो वो सबको बताता फिरता है, अपनी चीजों को डिश के तौर पर चेक कराता है, क्योंकि उसे साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैंने कुछ किया। तो बताओ, कुछ तो हमारे यहाँ भी MBA किए हुए मैनेजमेंट के लोग होते होंगे जिनके दिमाग में खुराफात होती है, कुछ करना है, कंपनी को नई पोजीशन पहुंचाना है, नंबर वन बनना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो बताओ उनके ईगो को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? स्टेबिलिटी पर चल के कर लोगे क्या? उधर ले जाओगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। तो उनके लिए क्या चाहिए आपको? एक्सपेंशन चाहिए होती है, क्रिएटिव लोगों के लिए, जिनके दिमाग में इनोवेटिव लोगों के लिए। कौन सी स्ट्रैटेजी है दुनिया में? एक ही स्ट्रैटेजी है क्रिएटिव और इनोवेटिव लोगों के लिए, और उस तरीके का नाम क्या है? एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। साइकोलॉजिकली आपको सेटिस्फाई करेगी। नंबर थ्री, एक्सपेंशन में लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। अगर आप एक्सपेंशन में जाते हैं तो मार्केट कैप्चरिंग आपकी ज्यादा होगी, जब मार्केट में शेयर आपका बढ़ेगा तो मार्केट को आप ज्यादा कंट्रोल करने की स्थिति में होते हो कि नहीं होते हो? और बाय नेचर हम सब मानव लोगों का स्वभाव होता है दुनिया मेरे हिसाब से चले। किसकी इच्छा नहीं है मेरे को बताओ? हम सबकी इच्छा, ठीक है? घर परिवार में भी एक या दो लोगों की इच्छा होती है, सब उनके कहने पर चल रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कह दिया बस ब्रह्म वाक्य, चुपचाप मान लो। बाहर भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, देश चलाते हुए भी कुछ नेता ऐसे मिल जाएंगे, हमारी चीज के ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, बस हमने सोच लिया तुम सब बेवकूफ हो, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। चाहते कि नहीं चाहते हैं? बताओ। तो बताओ, कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसका मार्केट शेयर बड़ा है, क्या वो नहीं चाहता मार्केट में कंट्रोल उसका चले, प्राइसिंग वो डिसाइड करे, नई चीजें वो लेके आए, कस्टमर उसको देखते हुए दूसरे के प्रोडक्ट को कंपेयर करे,
तो ये भी मार्केट का कंट्रोल एक रीजन होता है एक्सपेंशन को चुनने का. एंड द लास्ट वन, एडवांटेज फ्रॉम द एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन में आकर. समय जैसे जैसे बीतता जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, मार्केट में अपनी ग्रोथ के लिए भी काम किया करते हैं. तो ये जरूरी हो जाता है कि आप एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करें. तो कौन सी चार बातें बताई अपन ने? नंबर वन, जब मार्केट में तेजी से पेस बदल रहा है तो आपको भी तेजी करनी चाहिए. नंबर टू, स्ट्रेटेजिस्ट ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है जब वो इसको फॉलो करता है. तीसरा, अगर आप ग्रेटर कंट्रोल मार्केट पे चाहते हैं तो आपको इसे फॉलो करना चाहिए. और चौथा, आपका एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आप अपने एक्सपीरियंस कर्व का फायदा उठाते हुए एक्सपेंशन करेंगे और प्राइसिंग को कम कर लेंगे. कितनी स्ट्रेटेजी पढ़ ली अपन ने? दो. कौन सी? स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. किन किन बेसिस पे पढ़ी अपन ने? सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट, फिर कब परसू करना चाहिए, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक, और फिर हमने पढ़ा उनके मेजर रीजंस को. अब कर लेते हैं अपन एक ब्रेक, फटाफट से 5 मिनट में आ जाओ. सो वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप की ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को. जैसे हमने बताया था, अगर आप चार्ट में भी देख रहे होंगे, ग्रोथ और एक्सपेंशन के दो रूट है. एक जो सिमिलर टाइप के बिजनेसेस के लिए क्या आ जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिफिकेशन, जिसके 3 रूट अपन डिस्कस करेंगे. कौन से 3 रूट हैं वो? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फिर आता है दूसरा रूट जिसका नाम है डायवर्सिफिकेशन. ये डायवर्सिफिकेशन भी सेम या डिफरेंट हो सकता है. जिसके 3 रूट जो सिमिलर टाइप के हो सकते हैं वो कौन से हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कंसेंट्रिक डायवर्सिफिकेशन. और चौथा रूट जो बिल्कुल अलग है, डिसजॉइंट है, अनरिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट डायवर्सिफिकेशन. तो अब इनकी बात होने जा रही है, इनके की पॉइंट्स की बात होने जा रही है. सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन एक्सपेंशन थ्रू डायवर्सिफिकेशन की. एक्सपेंशन थ्रू डायवर्सिफिकेशन. डायवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? डायवर्सिफिकेशन इज डिफाइंड एज एंट्री इनटू द न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन, न्यू सर्विसेज और न्यू मार्केट, इन्वॉल्विंग द सूटेबिलिटी और सब्सटेंशियली डिफरेंट स्किल, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज. डायवर्सिफिकेशन किसको कहेंगे अपन? डायवर्सिफिकेशन कहेंगे अपन उन तरीके की चीजों को जब हम एक नए मार्केट में जाते हैं, नए प्रोडक्ट को लेते हैं, नई स्किल डेवलप करते हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं. तो जब कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम नया नाम क्या दे रहे हैं? डायवर्सिफिकेशन. इट इज अ न्यू थिंग. नया प्रोडक्ट हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, नया मार्केट हो सकता है, नई स्किल हो सकती है, नई सर्विसेज हो सकती है. ऐसा कुछ भी करना क्या कहलाएगा आपका? अब वो सिमिलर फील्ड में भी हो सकती है और डिफरेंट फील्ड में भी हो सकती है. वो रिलेटेड भी हो सकती है और अनरिलेटेड भी हो सकती है. नेक्स्ट अंडरलाइन करें इस पैरा के बाद में, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फर्म ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू ग्रो. कौन अडॉप्ट करे इनको? अपन पीछे एक रीजन पढ़ के आए. एक्सपेंशन कौन अडॉप्ट करता है? जो इनोवेटिव और क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं, है ना, जो चुप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ नया करना उनकी फितरत में होता है, जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत तेज होता है, बहुत अच्छा होता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों की तलाश में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन सबसे बढ़िया अवसर लेके आया करता है दुनिया में. टू ग्रो एंड टू वेंचर इन टू द न्यू एरियाज ऑफ द एक्टिविटी एंड टू ब्रेक न्यू फ्रंटियर्स. That the zeal of the entrepreneurship. Zeal of entrepreneurship का मतलब क्या होता है? आपके अंदर कुछ नया करने की जो भावना है, आपके अंदर जो नया कुछ पाने की क्षमता है, वैसे लोग expansion through diversification को अपना के अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए कुछ नया काम कर सकते हैं. कर ही रहे ना, इंटेल कंपनी जो कि चिपसेट की, माइक्रोप्रोसेसर की सबसे बड़ी कंपनी है, क्या उसने समय समय पर हायर स्पीड के और बेटर कैपेबिलिटी के माइक्रोचिप नहीं दिए क्या हमें? एप्पल कंपनी जो अपने आप में आईफोन की एक बड़ी कंपनी मानी जाती है, क्या नए ब्रेक थ्रू आइडियाज के साथ नई नई चीजें नहीं दी क्या? गूगल जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, क्या उसने हमको सर्च इंजन के तौर पर और बहुत सारी फैसिलिटी के तौर पर कई चीजें नहीं दी क्या? ये जो गूगल मैप आप देख पा रहे हो, इसके लिए कब उन्होंने सोचा और कितना डेटा कलेक्ट किया होगा तब जाके आपको हम इतनी सटीक जानकारी दे सकते हैं? क्या ये ऐसे ही संभव हो गया? सबसे पहले तो सैटेलाइट इमेज ली गई, उसके बाद शहर शहर सर्वे किया गया, और आज भी इनका सर्वे जारी है. मेरे एक मित्र हैं जो हर महीने करीब 4,000 से 5,000 किलोमीटर बाय रोड ट्रेवल कर लेते हैं. 4,000 से 5,000 किलोमीटर उनको गूगल की तरफ से ऑफर आया है कि हम आपकी गाड़ी के ऊपर अपना गूगल का कैमरा लगा देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप तो जहां जाओ कैमरा चालू होना चाहिए, वो अपने आप सारी सड़कें और उनके सब चीजों की जानकारी अपलोड करता चला जाएगा. तो बताओ हम और बेटर हो जाते ना? कैसे? गूगल ने जब पहली बार गूगल अर्थ से मैप बनाया होगा
और गूगल आज की तारीख पे किसी रोड साइड पे देखता है तो क्या नई दुकानें, नए नाम, नई फैसिलिटी नहीं आ गई क्या? तो क्या पुराना मैप काम आएगा कि आज का काम आएगा? तो बताओ, ऐसी कई गाड़ियां गूगल की दौड़ रही होंगी कि नहीं दौड़ रही होंगी? सब शहरों में पैसे देता है गूगल। मेरे मित्र ने कहा ये तो बढ़िया काम हो गया, मेरी मेंटेनेंस का खर्चा गूगल से निकल जाएगा, गाड़ी भी चला लेंगे अपन साथ में। और ये जो गाड़ी चलाने से वेयर एंड टियर तो होता है ना, टायर घिसते हैं आपके, पेट्रोल ऑयल चेंज कराना पड़ता है आपको, सब चीज़ें लगती है ना, तो फिर उन सब का खर्चा अगर गूगल बेयर कर ले तो मेरे लिए तो आराम हो गया, लेकिन आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है, फिर गूगल को सब पता आप कहाँ जा रहे हो। ये तो फिर पब्लिक हो जाएगा ना, गूगल को तो पता ही है सब चीज़ें कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि गूगल में बैठे लोग क्रिएटिव है, गूगल में बैठे लोग इनोवेटिव है, गूगल में बैठे लोग कुछ न कुछ नए फ्लेयर के साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन उनकी सोच का परिणाम है कि आज इतना कुछ गूगल की मदद से अपन देख पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। गूगल ड्राइवरलेस कार ले आया है इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ना, कंट्रोल कर सकते हैं अपन उसको। तो वो नए नए चैलेंजेस को प्राप्त करना चाहते हैं, जील ऑफ एंथुसियाज्म और एंटरप्रेन्योरशिप से आगे जाना चाहते हैं। दे फील दैट डाइवर्सिफिकेशन ऑफर ग्रेटर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी देन एक्सपेंशन। वो क्या चाहते हैं कि कुछ नया करने से ही एक्सपेंशन का अच्छा तरीका या एक्सपेंशन में अच्छी ग्रोथ पाई जा सकती है, और उसका एक तरीका एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। अब बात करते हैं अपन एक छोटी सी मैट्रिक्स की, जिसको आइगर एनसॉफ नाम के व्यक्ति ने बनाया है। आपके नोट्स में हमने दे रखी है, यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी। एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैन आइदर बी थ्रू इंटेंसिफिकेशन और थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो पूछा जा सकता है एक्सपेंशन के दो रूट कौन से हैं भाई? इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, इसमें प्योरली सिमिलर बिजनेस के लिए कौन है? मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। और मार्केट डेवलपमेंट किसके लिए? नया मार्केट बनाने के लिए, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या? प्रोडक्ट बनाना नया, मार्केट सेम हो सकता है, इसका मतलब रहो तो सेम बिजनेस में ही हो। तो सेम सिमिलर बिजनेस के लिए इंटेंसिफिकेशन है, और सेम और डिफरेंट बिजनेस के लिए डाइवर्सिफिकेशन। मतलब रिलेटेड के लिए केवल इंटेंसिफिकेशन है, रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों चीजें चाहते हो तो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन है। ये बात किसने कही है? मैं नाम याद रखना, आइगर एनसॉफ नाम के एक आदमी ने हमें इसके लिए एक फ्रेमवर्क दिया है। तो नाम याद रखने वाली बात क्या है? Iger Ansoff provided us expansion through diversification framework which has four options. कौन से चार option है? Underline कर लें, market penetration, product development, market development and diversification. चार option हो गए हमारे पास में, ठीक है ना। इसको एक चार्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। कैसे चार्ट के तौर पे देख सकते हैं? देखो इसको, X axis जिसको horizontal axis भी कहा जाता है, वो हमारा represent कर रहा है product को। किसको represent कर रहा है? product को। आप भी बनाते चलें साथ साथ में, ताकि एक बार हाथ से बनाने की आदत हो जाए हम सबको। बनाए हॉरिजॉन्टल एक्सेस बनाए और लिखे एक्स एक्सेस, लिखे ये प्रोडक्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है? ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट को बता रहा है। अब अपन वाई एक्सेस बनाते हैं, जिसको अपन वर्टिकल एक्सेस भी कहा करते हैं। ये वाई एक्सेस वर्टिकल एक्सेस किसको बता रही है? मार्केट को बता रही है यहाँ पे। तो टू डायमेंशन मैट्रिक्स हो गई एक्स और वाई। एक्स किसको बता रहा है? प्रोडक्ट को। वाई किसको बता रहा है? मार्केट को। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब आप क्या करो, इसमें 2x2 की एक मैट्रिक्स बना लो, मतलब दो रो और दो कॉलम बना लो। इसके अंदर क्या बनाओगे? दो रो और दो कॉलम। क्लियर? फिर से देखो, एक नया फ्रेश बना देता हूं मैं आपके लिए। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस किसको डिनोट कर रही है? प्रोडक्ट को डिनोट कर रही है। वाई एक्सिस किसको डिनोट करनी है? मार्केट को डिनोट करिए। थोड़ा बड़ा बना लें इसको, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये कौन सी मैट्रिक्स है भैया? 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 का मतलब क्या होता है? दो रो और दो कॉलम बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, उसमें प्रोडक्ट को बताया जा रहा है। प्रोडक्ट की दो स्थितियां होती है, या तो प्रोडक्ट आपका एग्जिस्टिंग होगा पुराना वाला, या प्रोडक्ट आपका नया होगा न्यू वाला, एग्जिस्टिंग एंड न्यू। इसी तरीके से मार्केट में भी दो स्थितियां हो सकती है। मार्केट आपका पुराना हो सकता है जिसको कहते हैं एग्जिस्टिंग, और मार्केट आपका नया हो सकता है जिसको अपन कहते हैं न्यू। बात आ गई क्या सबको समझ में? आइगर एनसॉफ कह रहा है 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाओ, जिसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाओ प्रोडक्ट, जिसकी दो स्थितियां हैं एग्जिस्टिंग एंड न्यू, पुराना प्रोडक्ट जो चल रहा है और नया प्रोडक्ट। इसी तरीके से वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस बनाओ, जिसको मार्केट के लिए डिनोट करो। मार्केट की भी दो स्थितियां हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट जो चल रहा है और नया मार्केट जो आप और क्रिएट कर रहे हैं। बात आ गई क्या सबको समझ में? क्या बना रहे हैं अपन? आइगर एनसॉफ का फ्रेमवर्क। अब चार स्थितियां बनती है। पहले पे लिखो मार्केट पेनिट्रेशन। पहले पे क्या लिखोगे? मार्केट पेनिट्रेशन।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लो, मार्केट पेनिट्रेशन पहला, दूसरा लिखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीडी, आप लिख दो पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा नीचे लिखो मार्केट डेवलपमेंट एमडी मार्केट डेवलपमेंट, और चौथा लिखो डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। चार ऑप्शन कौन कौन से हो गए साइगर एन सब की, पहला मार्केट पेनिट्रेशन, सेकंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, थर्ड नीचे मार्केट डेवलपमेंट, फोर्थ नीचे डाइवर्सिफिकेशन। अब ये ऐसा क्यों है, अब जरा इसके बारे में भी सोचते हैं अपन, ध्यान से देखो इस चित्र को। हम बात कर रहे हैं जब आपके पास में प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, बात किसकी हो रही है, प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, व्हेन यू हैव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, और हम क्या चाह रहे हैं, ग्रोथ और एक्सपेंशन चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मार्केट में ज्यादा कैप्चर करना पड़ेगा शेयर कि नहीं करना पड़ेगा, तो मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर करना क्या कहलाता है, मार्केट पेनिट्रेशन ही तो कहलाता है। When you want growth and you have existing product in existing market, आप नया product नहीं चाहते, नया market नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं existing ही सब कुछ चलता रहे और मुझे growth भी मिले, तो उसका तरीका क्या हो सकता है, You have to capture more market, और ज़्यादा market capture करने को क्या नाम दिया अपन ने, market penetration। बात आई क्या समझ में, क्यों हमने market penetration यहाँ use किया, आई बात सबको समझ में। अब बात करते हैं second स्थिति की जिसको नाम दिया हमने product development। Product development में क्या है, आप देख रहे हैं product नया है, प्रोडक्ट नया है लेकिन आपका मार्केट एग्जिस्टिंग है। जब आपका प्रोडक्ट नया होता है मार्केट एग्जिस्टिंग होता है तो फिर इस स्थिति को क्या नाम देंगे अपन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नाम देंगे, मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट है। अभी एग्जांपल भी आ रहे हैं उसके, पर पहले इन चार स्थितियों को समझ लेते हैं अपन। तीसरी स्थिति का नाम है मार्केट डेवलपमेंट। ये मार्केट डेवलपमेंट कब होती है, जब आपका प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग होता है लेकिन आपका मार्केट नया होता है। हमने कल भी कहा था, लास्ट टर्म पे भी कहा था आपको, नया मार्केट का मतलब नया कंट्री नहीं होता है, एग्जिस्टिंग कंट्री में भी नया मार्केट तलाशा जा सकता है। हो सकता है हम सदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया पे आ जाए तब भी नया मार्केट है, मैं तो कहता हूं यहीं इसी नॉर्दर्न इंडिया में भी एक नया मार्केट तलाशा जा सकता है क्योंकि उसके लिए कस्टमर अलग हो सकते हैं हमारे, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हम सारे लोग क्या एक ही जैसे प्रोडक्ट एक ही सर्विसेज को यूज करते हैं क्या, नहीं करते ना, तो इसका मतलब क्या है, हम सब लोग अलग अलग प्रोडक्टों के मार्केट हैं, व्यक्ति एक ही है लेकिन वो अलग अलग प्रोडक्ट के मार्केट शेयर में आया करता है। हम सबको एक जैसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना, हम सारी दुनिया को एक जैसा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सबकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस अलग होती है। इस देश में पतंजलि के आने से पहले कोलगेट ही इकलौता बड़ा ब्रांड था जो कि इस देश में अपने टूथपेस्ट को बेचा करता था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा हाल हो गया है पतंजलि मार्केट शेयर बड़ा है, कोलगेट उसके सामने छोटा हो गया, और कोलगेट को पहली बार आयुर्वेदिक फॉर्मूला आधारित टूथपेस्ट लॉन्च करनी पड़ी, वेद शक्ति नाम प्रोडक्ट का क्या दिया उन्होंने, वेद शक्ति, कि भाई इसके अंदर पतंजलि की तरह से 16 जड़ी बूटियां हैं, तो पहले ले आते हैं। आपको शायद पता ही नहीं होगा कोलगेट की जो व्हाइट कलर की टूथपेस्ट है ना, ये केमिकल है पूरा का पूरा जिसको अपन रोज दांतों पे घिस दिया करते हैं, अगर आप खा जाते हो या बच्चे खा जाते हैं तो पेट पे असर पड़ रहा है उसका, लेकिन हमारे देश की ना तो सरकार को चिंता रही ना हम लोगों को भी खबर लगी इसकी। ये तो बाद में जाके जब बाबा रामदेव जैसे लोग आए और उन्होंने समझाना शुरू किया कि हम तो जड़ी बूटी बेचते हैं, अगले तो केमिकल बेच रहे हैं और तुम केमिकल खा खा के पैसे दे रहे हो, हमारी चीज़ तो जड़ी बूटी की, अगर पेट में चली जाए तो भी नुकसान ही करे, क्या है उसके अंदर, हल्दी है, चंदन है, मुलेठी है, इलायची है, अभी तो वैसे भी खाते हैं कि नहीं खाते अपन, तो अगर उसका वो अंदर भी चला जाता है सॉलो भी कर ले कोई बच्चा या बड़ा तो पेट में जाकर कोई नुकसान करने वाला है क्या, जड़ी बूटी तो नुकसान करती नहीं है ना, आयुर्वेदिक है वो, बताओ अब कितने लोगों को आयुर्वेद की समझ होने लग गई। तो बाबा रामदेव ने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग नहीं था उनका, है ना, एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या किया उन्होंने, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। मार्केट तो क्या था, इंडिया का ही था, कोलगेट जैसा ही टूथपेस्ट का, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हिंदुस्तान में एक नई कंपनी आके अपना प्रोडक्ट बेच जाती, चाहे वो FMCG का हो, चाहे वो किसी टेक्सटाइल का हो, चाहे वो किसी हैंडीक्राफ्ट का हो, तो उसको हम नाम क्या देंगे, नया मार्केट क्रिएट करना मार्केट डेवलपमेंट कहेंगे। अब बात करते हैं चौथी स्थिति की जिसका नाम है नया प्रोडक्ट और नया मार्केट, प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया, ऐसी स्थिति को क्या नाम देते हैं अपन, डाइवर्सिफिकेशन। बात आई क्या सबको समझ में, तो हमने क्या पढ़ लिया, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन
में एक फ्रेमवर्क आता है जिसका नाम है आइगर एंसॉफ। ये आइगर एंसॉफ का फ्रेमवर्क 2x2 की मैट्रिक्स है जिसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोडक्ट को बताती है जिसकी दो स्थितियां हैं एग्जिस्टिंग और न्यू। वर्टिकल एक्सिस इसकी मार्केट को बनाती है जिसकी दो स्थितियां हैं एग्जिस्टिंग एंड न्यू। इसका फर्स्ट कॉर्नर एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए कहता है मार्केट पेनिट्रेशन करो अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो। ये सारी मैट्रिक्स किसके लिए? ग्रोथ चाहने वाले लोगों के लिए। दूसरी स्थिति, अगर आपका प्रोडक्ट नया है लेकिन मार्केट एग्जिस्टिंग है और आप ग्रोथ चाहते हो तो आप प्रोडक्ट डेवलप करो। तीसरी स्थिति है जब आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन मार्केट नया है तो आप नया मार्केट विकसित करो, मार्केट डेवलपमेंट। और जब आपका प्रोडक्ट भी नया है मार्केट भी नया है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जो रिलेटेड अनरिलेटेड दो फील्ड में हो सकती है। बात आ गई क्या सबको समझ में? क्या नाम दिया अपने इसको? आइगर एंसॉफ फ्रेमवर्क। ठीक है, चैप्टर 3 में फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे, 2 और 3 में, लेकिन यहां हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आओ अब ये कैसे किया जाता है इसके तौर तरीकों को अपन समझ लेते हैं। आओ कुछ मेथड्स पढ़ते हैं कैसे हम मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं विद एग्जांपल, कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देखो पहला तरीका मार्केट पेनिट्रेशन में, मैं मार्केट पेनिट्रेशन के लिए समय वोडाफोन का उदाहरण ले सकता हूँ, रिलायंस का उदाहरण जियो का ले सकता हूँ, एयरटेल का उदाहरण ले सकता हूँ। तीनों इस समय टेलीकॉम मार्केट में क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में तो ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वोडाफोन भी चाह रहा है, एयरटेल भी चाह रहा है, जियो भी चाह रहा है। तो हमने जियो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। क्या कर रहे हैं वो? मार्केट पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है? इंक्रीजिंग बाय मार्केटिंग शेयर। अगर अपना मार्केट शेयर 18 से 18.5-19 कर लेते हो तो कुछ लाख कस्टमर और जोड़ दोगे अपने साथ, और ये नए कुछ लाख कस्टमर जोड़ना आपको एक्सपेंड कर रहा है, और ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में ही तो कर पा रहे हैं। तो इसका नाम क्या रखा है अपने? मार्केट पेनिट्रेशन। और क्या तरीका हो सकता है मार्केट पेनिट्रेट करने का, कस्टमर बेस बढ़ाने का? इंक्रीज द प्रोडक्ट यूसेज, प्रोडक्ट की उपयोगिता बढ़ाओ, प्रोडक्ट की उपयोगिता बढ़ाओ। जैसे आपने देखा होगा टूथपेस्ट कंपनियां जब अपनी सेल की सेचुरेशन अचीव कर लेती हैं तो अब किसको माल बेच सकती हैं? सब लोगों ने आपके दंत मंजन को या आपके टूथपेस्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर वो एक नया ऐड लेके आते हैं। ऐड क्या है वो? डॉक्टर एसोसिएशन या डेंटल एसोसिएशन ने कहा है दिन भर 2 बार ब्रश करके, मतलब रात को भी ब्रश करके सोने के बाद दांतों में कैविटी नहीं होती। क्या कर रहे हैं वो? डॉक्टरों का डर दिखाते हुए तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ को बढ़ा रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ बढ़ेगा तो जितना सुबह तुमको करना था उसमें से आधा बचा के शाम को करोगे कि जितना सुबह मलते थे उतना शाम को भी मलोगे? तो क्वांटिटी ऑफ यूसेज भी बढ़ेगा। कंपनी देखो कितनी शातिर है ना, इतने सालों से जब हम एक टाइम कर रहे थे तब हमारी कैविटी हुई नहीं, अब हमें डराया जा रहा है कि 2 बार करने से कैविटी नहीं होगी, इसलिए आप रात को भी ब्रश करके सोया करो। गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन तुमने इतने साल क्यों नहीं कहा? क्या तब हमारी कैविटी नहीं होनी थी, या तुमको ज्ञान नहीं था? जब इनकी सेल सेचुरेट होने लग गई तो हमें समझाया जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ भाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो अपने आप क्वांटिटी ऑफ यूसेज भी बढ़ेगा। बात आई समझ में? तो कैसे हम अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं? हम पहले सपोज 40 करोड़ लोगों तक पहुंचे हुए थे, तो वो 40 करोड़ लोग 1 बार यूज कर रहे थे टूथपेस्ट का, अब क्या हो रहा है वो दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच हो गई, डबल हो गया हमारा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज बढ़ते ही अपने आप क्वांटिटी ऑफ यूसेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो आपकी सेल में बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? जो टूथपेस्ट पहले 1 महीना चलती थी 15 दिन में खत्म, लाओ फिर से एक नई टूथपेस्ट, तो बताओ उतना उतना खर्चा हमारा तो बढ़ ही गया ना कि नहीं बढ़ा, बताओ? तो हम क्या करते हैं, आपके दिमाग में भरते हैं नई नई बातें, ऐसा करने से ये हो जाएगा, उससे क्या करते हो आप उसका उपयोग बढ़ा देते हो, उपयोग बढ़ा देते हो तो अपने आप क्वांटिटी ऑफ यूसेज भी बढ़ जाती है, इससे अगले की सेल बढ़ जाया करती है। इसके अलावा तरीका क्या है? मैंने लिख भी रखा है दोनों तरीके, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज एंड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूज। इसके अलावा तरीका है फाइंड द न्यू एप्लीकेशन फॉर द करंट यूजर, मतलब एग्जिस्टिंग यूजर को इसी चीज की कोई और उपयोगिता भी समझाओ ताकि ये कई और जगह भी उसका यूज करना शुरू कर दे। करते कि नहीं करते? ये जितने भी ड्राई क्लीनर बैठे हैं मार्केट में, हम कई बार कपड़ों के दाग निकालने के लिए इनको देके आते हैं कि नहीं देके आते हैं? कई बार ये पेट्रोल से, कई बार ये डीजल से, कई बार कई और केमिकल से इसको हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? तो बताओ आप, कई तरीके की चीज़ों का उपयोग अपन कई और तरीके से करते हैं, लेकिन घर में हमारे किचन में भी कई ऐसी चीज़ें उपलब्ध है मिर्च मसालों में जिनका उपयोग करके भी अपन दागों को हटा सकते हैं। तो बताओ अगर हम आपको ये नया उपयोग बता देते हैं तो आप मसालों का प्रयोग मसालों के तौर पर भी करो और घर के दाग धब्बे हटाने के लिए भी करो। कर सकते कि नहीं कर सकते? एप्पल विनेगर नाम सुना है? ये हम अपनी सब्जियों में भी यूज़ किया करते हैं, करते ना, लेकिन ये आप क्या करते हैं किचन में जिस जगह भी ये थोड़ा सा कालापन सा होने लग जाता है ना
चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपके यूटेंसिल्स हो, उन पे भी डाल के दाग हटाने के लिए यूज कर सकते हो। तो अगर एप्पल विनेगर का मेरे को प्रयोग बढ़ाना हो तो मैं आपको क्या समझा सकता हूँ कि इसको सब्जी में भी यूज कर सकते हो जहाँ आपको चाहिए, और चाहो तो आप इसको चमकाने के लिए बर्तन और स्टैंड के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक नई एप्लीकेशन बता दी ना आपको कि इसका उपयोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करने के कारण आप पहले एक की जगह दो शीशियां लाओगे। अच्छा, किसी को ऐसा देखा है क्या, हम थोड़ा सा इंडियंस लोग जो है ना थोड़े सिस्टमेटिक कह लो या थोड़ा कह लो चूजी ज्यादा लोग है। अगर मैं यूं कह दूं कि एक ही बॉटल ले आना और जब चाहे इसको सब्जी में यूज कर लेना, जब चाहे किचन वेयर में यूज कर लेना, कतई यूज नहीं करे कोई, दो शीशियां अलग अलग लाएगा। सब्जी में डालने वाला उस बॉटल से, किचन को धोने और धाने के लिए अलग से, विनेगर के अलग हो गया क्या तेरा? लेकिन हमारी माइंडसेट ऐसी है, नहीं किचन वाला काम गड़बड़ा है, उसके लिए शीशी अलग होनी चाहिए, इसका बर्तन ही अलग होना चाहिए, वो खाने की चीज होती है उसका अलग ही होना चाहिए। तो हमने जहां पहले आपका एक 50 ml की बॉटल यूज होती थी, अब दो 50 ml की बॉटलें खरीदवानी शुरू कर दी कि नहीं कर दी? क्या किया अपने, न्यू एप्लीकेशन कर दी कि नहीं कर दी? तो हम कुछ भी नया करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के तहत आता है, जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हैं। तो एक जियो का एग्जाम्पल हो गया, मैं तीन तीन एग्जाम्पल दे दिया इसमें, जियो का एग्जाम्पल दे दिया, एयरटेल का एग्जाम्पल दे दिया, वोडाफोन का एग्जाम्पल दे दिया। ये तो था फ्रीक्वेंसी, ये तो था मार्केट पेनिट्रेट करके क्या करना, मार्केट शेयर बढ़ाना। दूसरा उदाहरण कौन सा दिया मैंने, टूथपेस्ट का उपयोग दिन में दो बार कर लेना। तीसरा उपयोग किसका दिया मैंने, एप्पल विनेगर का दे दिया, उसके लिए नई एप्लीकेशन आपको समझा दी। तो बताओ क्या हुआ, मार्केट पेनिट्रेट करके ज्यादा मार्केट शेयर प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया? ठीक है, हालांकि इससे जुड़ी भी बात नहीं है, लेकिन चूंकि इस टॉपिक्स को अच्छे से वो एक्सप्लेन करती है तो मैं एक रियल टाइम किस्सा आपको सुना रहा हूँ। ईयर 99 की बात होगी, मेरी एक फर्म है जिसमें हम लोग सैटेलाइट डेटा के साथ प्रोसेसिंग किया करते हैं, उस फर्म का नाम है हमारी इन्फोग्राफिक्स। देश में केवल 99 फर्में हैं भारत सरकार की जो इसरो के साथ रजिस्टर्ड है, उसमें से एक फर्म हमारी है। हम क्या करते हैं, इंडिया भर का सैटेलाइट डेटा हमारे पास आता है, गवर्नमेंट ही देती है, उसको हम प्रोसेस करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से जो हमने परचेज कर रखे हैं, बड़े बड़े वर्क स्टेशन से हमारे पास में कंपनियों के जो यूनिक्स आधारित प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, और हम क्या करते हैं सरकार को उनके मर्जी का डेटा निकाल के दिया करते हैं। तो ऐसा ही एक बार गुजरात का डेटा हमारे पास आया, तो उसके साथ साथ एक बार उनकी फिजिकल ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए भी हमें जाना पड़ता है। तो जोधपुर से जो हमारी टीम थी कुछ साइंटिस्टों की, वो लेके मैं गुजरात गया साणंद नाम की जगह पे, है ना, और साणंद के पास में आपको मालूम होगा जहाँ अमूल भी प्रोड्यूस किया जाता है, अमूल भी उसके आसपास ही होता है, उस जगह जाना हुआ मेरा। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, चूंकि हमारा ये जा रहा था और गवर्नमेंट मिशन था, तो उनको पहले से कह रहा था वो लोग आए तो जो इनको जानकारी चाहिए और थोड़ी सी जो आवभगत आपसे हो सकती है वो कर लेना। तो एसी बस थी हमारी, दोपहर का समय था, हम वहाँ पर पहुँचे, गाँव के सरपंच और मुखिया हमारे इंतजार कर रहे थे, बिठाया उन्होंने जो अवेलेबल था उनके पास खाटों पे, और हमको बोला क्या पियोगे, क्या पियोगे, गर्मी का मौसम था, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो ठीक है ना, मांगते ही नहीं हम लोग। तो अपन ने कहा जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो कुछ ठंडी चीज़ ले आओ। तो उन्होंने कहा छाछ लस्सी पी लोगे, उन्होंने कहा पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से पूछ लिया, किसी को मीठी चाहिए थी तो मीठी बन जाएगी, किसी को नमकीन चाहिए तो नमकीन बन जाएगी, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने नमकीन मांगी। आप विश्वास नहीं करोगे, करीब करीब 50-55 लोग हमारे साथ मिले थे और 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे उनको, 5 मिनट में वो ले आए लस्सी, ये छाछ ले आए। मुझे बड़ी हैरानी हुई, मतलब 50-55 लोगों के लिए हमारे पास में एक यंत्र है जो हम 5 मिनट में उसके लिए छाछ बना लेते हैं। मैंने कहा मेरे को देखना है ना, मैंने कहा कई बार अपने भी कहीं किसी को बुलाना हो तो ऐसी चीज़ घर में पड़ी रहे तो ठीक ही रहती है। तो उन्होंने कहा दिखाएंगे नहीं, मैंने कहा नहीं दिखाना तो पड़ेगा, आपने 5 मिनट में बना दी तो वो चीज़ काबिले तारीफ होगी, मैंने तो आज तक अभी सुना ही नहीं 5 मिनट में इतनी जल्दी बन जावे, क्योंकि हमने तो देखा है घरों में हमारे बड़ों को बिलोने चलते थे, छोटी छोटी मिक्सियाँ आती हैं उसमें तो कितना बन जाएगा, और फिर वो टेस्ट भी एक जैसा नहीं रहता क्योंकि अपन हर बार मिक्सचर ही अलग कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं तो मेरे को देखना है, मैं जान के आश्चर्य कर गया जब मैंने उसे देखा, आप भी सोच नहीं पाओगे क्या होगा। इट वॉज अ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिसमें उन्होंने बनाया, हाँ सब जगह होता है अब तो, वॉशिंग मशीन में बन रही है। सोचो आप, वॉशिंग मशीन किसके लिए बनाई, इन्वेंट करने वाले ने कपड़े धोने के लिए बनाई, लेकिन हिंदुस्तानी दिमाग देखो, इसके अंदर भी तो बिलोना है, कपड़े को ऐसे ही तो करता है वो, नहीं करता है? तो हिंदुस्तानी आदमी ने सोचा है तो कपड़े धोने के लिए भी यूज हो सकती है और ये तो बिलोने की तरह भी यूज हो सकती है, क्यों नहीं इसके अंदर डाल के अपन बना लेवे? तो बताओ नई एप्लीकेशन होगी कि नहीं होगी, है ना? अब वो बात अलग है कि उस पर वो केवल लस्सी और छाछ ही बनती है, कपड़े नहीं धुलते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा डिटर्जेंट का भी टेस्ट साथ में आ रहा है कि दिस छाछ एंड लस्सी इज विद डिटर्जेंट, ठीक है ना, ना मुंह में कुछ यूँ दाने दाने से आ रहे हैं ये, कि मालूम पड़ा एरियल पाउडर क्यों लग रहा है ये मुंह में हमारे, है ना? तो वो नहीं होता है, ये अलग ही बनाते हैं।
ठीक है। तो मैंने मिसेस को कह रखा है, मैंने कहा कि कभी अपने आ जाते हैं तो बढ़िया अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को अपने धो देंगे और तो क्या है, और बना देंगे एक साथ 25-50 लोगों की। आजकल अपने घरों में सबके पास में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन रहती है, तो एक साथ 50-100 लोग आ जाए तो सर्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैंने एक नई एप्लीकेशन बता दी है, ठीक है, पर मशीन को पहले ढंग से धो लेना है ना, उसके बाद ही बनाना उसके, वरना टेस्ट मिक्स वाला आ जाएगा कुछ, है ना, वो नया फ्लेवर है कुछ, गड़बड़ हो जाएगा, ना लस्सी का आ रहा है ना डिटर्जेंट का आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा झाग उसमें बहुत होगा, झाग बनपन मिलेगा तुम्हारे को उसमें। चल तो बात होगी, नई एप्लीकेशन को समझ में आई, ये एग्जांपल आपके केवल समझने के लिए था, नई एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, लिखना नहीं है अपने को, समझने के लिए था केवल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या करें अपन, एड प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स आप जोड़ते चले जाओ, जैसे 3G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी, अब हमारे टेलीकॉम में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है इसकी। इसके अलावा प्रोडक्ट को रिफाइन करो, कैमरा का मेगापिक्सल बढ़ा दो आप इसके साथ साथ, डेवलप ए न्यू जनरेशन प्रोडक्ट, आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने देखा डायरेक्ट टू होम में नया तरीका आ गया हमारे पास में, कौन सा नया तरीका आ गया, केबल हम आपके घर तक ले आए, गीगा फाइबर केबल हम ले आए हैं। डेवलप द न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट, इसी मार्केट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं। बताओ इस समय आप मोबाइल मार्केट के लिए मोबाइल फोन्स में नई नई चीजें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या कहलाएगा ये सारा का सारा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो कई उदाहरण हो गए, लिख लो आप इसको। अच्छा जियो वाले उदाहरण के साथ साथ मार्केट पेनिट्रेशन के उदाहरण लिख लिया क्या आपने, कई लोग बाद में हमें कहते हैं कि सर आपने जो उदाहरण दे दिया अब कहीं लिख के दे दो, अभी लिखते जाओ, बाद में कुछ नहीं करना, डे वन से अपन कई उदाहरण दे रहे हैं, लिखते चलो। मार्केट पेनिट्रेशन में उदाहरण लिखो रिलायंस जियो, सेकंड लिखो टू टाइम टूथपेस्ट, यूसेज ऑफ टू टाइम्स ठीक है। उसके बाद में न्यू एप्लीकेशन में क्या दिखा, एप्पल विनेगर वाला एग्जांपल ले लो। अब आ जाओ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, 2G / 3G / 4G / 5G ये क्या है, नए नए प्रोडक्ट हैं। इंक्रीजिंग द मेगापिक्सल इन कैमरास, नए इन्हेंसमेंट है प्रोडक्ट में, ये सब चीजें क्या कहलाती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाती है। बात आ गई क्या सबको समझ में, एग्जाम्पल दोनों के, मार्केट पेनिट्रेशन भी और मार्केट डेवलपमेंट भी, सॉरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी। अब आ जाओ मार्केट डेवलपमेंट की बात करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में ले जा रहे हो, जिसका तरीका क्या है, एक्सपेंड ज्योग्राफिकली और टारगेट न्यू सेगमेंट। जैसे मैंने शायद पहले भी एग्जाम्पल दिया होगा, साउथ इंडिया की एक संकल्प नाम की साउथ इंडियन कुजीन की एक श्रृंखला है, अगर वो नॉर्थ इंडिया में आके भी अपने रेस्टोरेंट खोल दिया करती है तो वो अपने मार्केट को ज्योग्राफिकली सदर्न इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया तक ले जा रहे हैं कि ले जा रहे हैं, क्या कहलाएगा ये, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही उनका साउथ इंडियन कुजींस, लेके कहाँ है वो, नए मार्केट में लेके आए, नए एरिया में लेके आए, नया कस्टमर क्रिएट किया उन्होंने, क्या कहलाएगा ये, मार्केट डेवलपमेंट ही कहलाएगा। तो लिखो संकल्प रेस्टोरेंट चेन, कॉफी कैफे डे, ये भी मैंने बताया था आपको। फिर दूसरी बात कही है टारगेट न्यू सेगमेंट, नए सेगमेंट को पकड़ना, ये भी किस में आया करता है, हमारे मार्केट डेवलपमेंट में आया करता है। आपको पता होगा मोबाइल ऑपरेटर्स जो हैं वो कई तरीके की स्कीमें निकालते हैं, कई तरीके के प्लान हैं उनके, है ना, पर डे 1 GB, 1.5 GB, 2 GB देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कितने GB का प्लान देते होंगे, वो तो कभी आपको बताया ही नहीं, वो कमर्शियल प्लान अलग होता है कि नहीं होता है, ऑफिसों को देना है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को देना है, बैंकों को देना है, इंश्योरेंस कंपनियों को देना है, तो उनको क्या मेरे और आप वाले प्लान देते हैं या उनके प्लान अलग होते हैं। तो अगर सपोज करो कोई कंपनी पहले केवल मेरे और आप में इंडिविजुअल्स में डील करती थी, अब वो ऐसे कमर्शियल प्लान लेके आ रही है, तो क्या कर रही है वो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही नए मार्केट में, मतलब नए तरीके के टारगेट सेगमेंट के लिए खोज के भेज रही है कि नहीं भेज रही है। तो बताओ ये तरीका क्या कहलाएगा, मार्केट डेवलपमेंट ही तो कहलाएगा। तो लिखो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो गया, न्यू इंटरनेट प्लान्स फॉर, न्यू इंटरनेट प्लान्स फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, न्यू इंटरनेट प्लान्स फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस।
अच्छा वोडाफोन भारत में आके नया मार्केट विकसित करती है, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले भी दिया था अपन ने, तो लिखो वोडाफोन इन इंडिया, ये भी किसका एग्जांपल है? ज्योग्राफिकली एक्सपेंड करने का है। तो तीन उदाहरण इसके भी हो गए हमारे, ठीक है, और धीरे धीरे और देते चलेंगे। एक साथ ही 30-40 नहीं दे रहा मैं, देने को तो बहुत कुछ दिए जा सकते हैं, लेकिन एक दो तीन अपन याद करना शुरू कर दें, फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा हर चीज़ के कई एग्जाम्पल हमारे सामने आते चले जाएंगे। क्लियर है भाई? अब आ जाओ चौथी बात करते हैं, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्विंग द न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट। ये दो तरीके से हो सकता है, एक को कहते हैं रिलेटेड, दूसरे को कहते हैं अनरिलेटेड। मैं अनरिलेटेड वाला एग्जांपल दे देता हूँ, रिलेटेड वाला एग्जांपल जब आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे। हमने आपको पहले भी बता रखा है, भारती ग्रुप जो है उसने सबसे पहले एयरटेल नाम का एक टेलीकॉम प्रोडक्ट निकाला। तो पहला प्रोडक्ट कौन सा हो गया उनका? एयरटेल। उसके बाद क्या किया उन्होंने, कुछ साल बाद इंश्योरेंस के सेक्टर में कदम रखा, और किसके साथ कदम रखा उन्होंने? भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस नाम की कंपनी के साथ में। तो ए एक्स ए एक्सा लाइफ, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ये इनका लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट था। उसके बाद ये ही नहीं रुके, ये लेके आए एयरटेल डीटीएच, इन्होंने डीटीएच के क्षेत्र में कदम रखा, और अब ये ले आए एफएम रेडियो, इन्होंने एफएम रेडियो के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। तो इसका मतलब इन्होंने सारा काम जो अब तक किया है पहले वाले से अनरिलेटेड था, कोई भी पुराने से मिलता जुलता नहीं था। ये डाइवर्सिफिकेशन कौन सा है, रिलेटेड के अनरिलेटेड? इसको डिसजॉइंट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? डिसजॉइंट। मिलता जुलता हो, जुड़ा हुआ हो तो जॉइंट कहेंगे, और उससे अलग हो तो क्या कहेंगे अपन उसको? डिसजॉइंट कहेंगे। तो बात समझ में आई क्या सबको? किसके बारे में पढ़ा अपन ने? आइगर एनसॉफ की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा, और ये किस किस के बारे में थी? प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड कहलाती है। क्या कहलाती है ये? प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। बात आई क्या सबको समझ में? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? आओ अब इन डिफरेंट ऑप्शंस को जो हमने आपको पढ़ाया डेफिनेशन के तौर पे याद कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंटेंसिफिकेशन की। इंटेंसिफिकेशन का पहला टाइप क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज मार्केट पेनिट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑन द करंट बिजनेस। द फर्म डायरेक्ट्स इट्स रिसोर्सेज टू द प्रॉफिटेबल ग्रोथ ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। तो मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में याद रखने की बात क्या है? ये ग्रोथ के लिए बनाया जाता है। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ज्यादा बेचना चाहते हैं तो हम मार्केट पेनिट्रेशन नाम की स्ट्रेटजी को अपनाया करते हैं। नेक्स्ट, मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग द प्रेजेंट प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन द रिलेटेड मार्केट एरिया बाय एडिंग डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल मीडिया। तो आप क्या कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में बेचने के लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो तरीका आप अपनाते हैं इसको नाम क्या दिया अपन ने? मार्केट डेवलपमेंट, जिसके कई उदाहरण हमने आपको दिए। थर्ड था प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल, बिल्कुल नया मॉडिफिकेशन, मतलब काफी हद तक बदलाव ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और क्रिएशन ऑफ न्यू बट रिलेटेड आइटम दैट कैन बी मार्केटेड टू द करंट कस्टमर थ्रू एस्टैब्लिश चैनल। जब हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही अपना प्रोडक्ट थोड़ा बहुत चेंज करके या मेजर चेंज करके आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसे नाम क्या दिया गया है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। अब आ जाता है चौथा तरीका, जिसका नाम क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? या तो सेम फील्ड में रिलेटेड काम कर लो या नए फील्ड में अनरिलेटेड डिसजॉइंट काम कर लो। सो डाइवर्सिफिकेशन एंडेवर्स कैन बी रिलेटेड और अनरिलेटेड। अब इसके भी चार ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं जो कि ओवरव्यू चार्ट में अपन देख चुके हैं। कौन से चार तरीके होते हैं देखो जरा। पहला वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा कंसेंट्रिक, और चौथा कौन सा है? कॉन्ग्लोमेरेट। ये फर्स्ट थ्री जो है ना, बकायदा ऐसा एक ब्रैकेट बना लो और उसके आगे लिखो रिलेटेड। ये पहले वाले तीन कैसे हैं? रिलेटेड है हमारे यहाँ पे। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड कंसेंट्रिक, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? रिलेटेड टाइप के डाइवर्सिफिकेशन है। और इसमें चौथा जो है कॉन्ग्लोमेरेट वाला, वो कैसा है हमारा? अनरिलेटेड टाइप का, जिसका दूसरा नाम डिसजॉइंट भी है। तो इसके साथ एक वर्ड और लिख लो, डिसजॉइंट, DISJOINT, डिसजॉइंट। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, पहले इस डायग्राम को अपन समझते हैं, फिर कुछ रियल टाइम एग्जांपल लेके अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। सी द लेफ्ट हैंड साइड, रॉ मटेरियल होता है आपके पास में, आप उससे क्या करते हैं? इंटरमीडिएटरीज सब कंपोनेंट्स बनाते हैं, फिर उससे क्या करते हैं? फाइनिश प्रोडक्ट बनाया करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, फिर क्या करते हैं? उस माल की मार्केटिंग और सेल्स करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसी माल के आप आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट देते हैं। ऐसे ही होता तरीका, आप रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको क्या करते हैं अपन?
कुछ सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं उस सेमी फिनिश प्रोडक्ट और दूसरी चीज़ों को मिला के फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं उसकी सेल करते हैं, फिर क्या करते हैं जो प्रोडक्ट बेच दिया उसको सर्विस और सपोर्ट दिया करते हैं। ऐसे ही अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पे बैठी है, अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पे बैठी है और वो दो एक्टिविटियां शुरू करती है, मार्केटिंग एंड सेल्स अपने से या फिर आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट, कोई एक भी कर सकती है दोनों भी कर सकती है, तो वो क्या कर रही है, फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड जा रही है। पहले हम केवल पंप बनाते थे, ठीक है ना, सपोज करो मेरी कंपनी बत्रा पंप नाम से बनाती है, जो पानी के पंप हैं आपके घरों पे लगते हैं ताकि पानी को टंकी तक चढ़ा सकें आप। मैं केवल पंप ही बनाता था, फिर उसको दूसरे लोगों को बेच देता था, वही मेरे प्रोडक्ट को बेचा करते थे। फिर मुझे लगा नहीं मेरा तो ब्रांड चल पड़ा है, ऐसा करो हर शहर में खुद के ही आउटलेट डालो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कदम फॉरवर्ड जा रहा हूँ कि मार्केटिंग और सेल्स भी मेरी ही कंपनी करेगी, और फिर मेरे इन प्रोडक्टों को लोकल मिस्त्री ठीक कर लिया करते थे, तो मैंने कहा उन मिस्त्रियों की कमाई क्यों हो, ऐसा करो आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट भी मेरे इंजीनियर्स द्वारा दिया जाएगा, मैं उनको हर शहर में एम्प्लॉय कर लेता हूँ। तो अब मैं आफ्टर सेल्स एंड सर्विस सपोर्ट भी करने लग गया। तो एक मैन्युफैक्चरर जो पंप बनाता था, अब वो अपने ही आउटलेट से माल बेचता है और अपने ही आउटलेटों के माध्यम से आपको सर्विस सपोर्ट देता है। ये अपने आप को एक कदम आगे ले जाना है कि एक कदम पीछे लाना है, आगे ले जाना है। पीछे लाना फिर क्या होता होगा, पीछे लाने का मतलब होता है वो मैन्युफैक्चरिंग पे बैठा है, अब वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे बैठ के या तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट खुद बनाना शुरू कर चुका है या अब वो रॉ मटेरियल भी खुद बनाना शुरू कर चुका है। मतलब मैं मैन्युफैक्चरर था, मुझे कोई सब असेंबली कंपोनेंट देता था, मैं उनका फैब्रिकेशन करता था, मुझे कोई रॉ मटेरियल देता था, मैं उसको अपने यूज करता था। अब मुझे लगा अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट का मार्जिन प्रॉफिट का कम हो जाएगा, एक काम करते हैं हम रॉ मटेरियल भी खुद बना लेते हैं, हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी खुद बना लेते हैं। अब ये एक कदम आगे जाना हुआ कि एक कदम पीछे आना हुआ, एक कदम पीछे जाना हुआ, क्या कहलाएगा ये, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो हमारे लिए समझने की बात क्या है, अगर हम रॉ मटेरियल की तरफ जाते हैं तो ये बैकवर्ड होता है, अगर हम लोग सेल्स मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट और बिजनेस की तरफ आते हैं तो इसको अपन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का नाम दिया करते हैं। तो वर्टिकल में कौन से दो तरीके हुए, पीछे जाना या आगे आना। अगर आप पीछे जा रहे हो, रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हो, सप्लाईज की तरफ जा रहे हो जहां से इसका ओरिजिनल सोचना होता है उस तरफ जा रहे हो, तो क्या कहलाएगा ये, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर आप एक कदम आगे आ रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट की तरफ आ रहे हो, सेल्स की तरफ आ रहे हो, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के नए नए चैनल्स को बना रहे हो, तो इसको आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का नाम देना पड़ेगा। बात आ गई क्या सबको समझ में, तो आप इसी डायग्राम को याद रखो, अगर एक मैन्युफैक्चरर है, अगर वो अपने ही आउटलेट से सेल्स एंड मार्केटिंग करता है, अपने से ही आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट देता है, तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। लेकिन वो सेमी असेंबली का प्रोडक्ट भी खुद बना रहा है या रॉ मटेरियल भी खुद प्रोक्योर करके बना रहा है, तो फिर वो एक कदम पीछे जा रहा है। इसको हम नाम क्या देंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का नाम देंगे। मैंने दो उदाहरण दिए थे आपको, ध्यान हो तो डे वन पे जब इसको पढ़ाना शुरू किया था, कैमलिन नाम की एक कंपनी जो केवल मार्केट में अपने पेन ही बेचा करती थी थ्रू डिफरेंट चैनल्स, मतलब उसके लोग मार्केट में स्टेशनरी के होते थे जो उसका माल बेचते थे। अगर वो कहती है कि हर मेट्रो सिटी में मैं अपने अपने आउटलेट लेके आऊंगी, इसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और उसके बाद में उसकी रॉ मटेरियल सप्लाईज की इंक जो है वो भी खुद बनाना शुरू करूंगी, इसका मतलब मार्केट में आप इंक को लेके प्रोडक्शन के तौर पर जा रहे हो, बैकवर्ड रॉ मटेरियल की तरफ जा रहे हो, सप्लाई की तरफ जा रहे हो, तो इसको नाम क्या देंगे अपन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का नाम देंगे। दूसरा उदाहरण मैंने क्या दिया था, उदाहरण मैंने लिख रखे, देखो आप कैमलिन पेन से अगर कैमलिन स्टोर पे गए फॉरवर्ड है, कैमलिन पेन से कैमलिन इंक पे गए बैकवर्ड है। इसी तरीके से सीए इंटर पढ़ाने वाला अगर सीए फाइनल पढ़ाना आप शुरू कर दे फॉरवर्ड गया, सीए इंटर पढ़ाने वाला या आईपीसीसी पढ़ाने वाला सीए फाउंडेशन पढ़ाना शुरू कर दे, वो एक कदम पीछे गया। तो वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, रहते उसी बिजनेस में, या तो हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल की तरफ चले जाते हैं, या हम क्या करते हैं मार्केट की तरफ सेल्स एंड सर्विस में चले जाते हैं। तो ये दो उदाहरण आप उतार लो, आपको हमेशा वर्टिकल इंटीग्रेशन को समझने में काम आएंगे। नोट डाउन कर लो इनको।
ये सवाल एमसीक्यू में भी हो सकता है, कोई एक केस स्टडी क्रिएट की जा सकती है इस तरीके से और आपसे पूछा जाए ऐसा करना। चलो मैं एक केस स्टडी अभी बना देता हूँ, ठीक है। एक्सेल एकेडमी के पिछले हिस्से में राठी हॉस्पिटल है, जानते हैं मेन रोड पे, सबको पता है। राठी हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स को वहाँ आने पर हॉस्पिटल की इंडोर आउटडोर सब सर्विसेज ऑपरेशन की दिया करता है, लेकिन उसके यहाँ जो मरीज आया करते हैं वो कोई एम्बुलेंस कंपनी है वो लेके आया करती है। कल को अगर राठी हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस मार्केट में उतार देता है और मरीज को हॉस्पिटल तक इन एम्बुलेंस सर्विसेज की मदद से लाता है तो बताओ ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है कि बैकवर्ड है? मैं मरीजों को इलाज के तौर पे हॉस्पिटल में भर्ती करता हूँ, अब मरीज मेरे तक आने के लिए भी मेरी ही एम्बुलेंस का सहारा लेते, मतलब सप्लाईज की तरफ जा रहा हूँ मैं, रॉ मटेरियल तो नहीं है ये, लेकिन मैं जा तो सप्लाईज की तरफ रहा, वो होगा ही नहीं तो मैं किसका इलाज करूंगा यहाँ पे। पहले वो दूसरी एम्बुलेंसेस की मदद से मेरे पास आते थे, अब मेरी एम्बुलेंस ही आ रहे हैं, मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ। जब ये इलाज कर दिया करते हैं तो आपको पता होगा इनके हॉस्पिटल के बाहर ही किसी न किसी को क्या करते हैं, ये मेडिकल शॉप दे देते हैं, है ना, उसमें इनका कट भी होता है, जो लिखते हैं दवाई वो बिकती है, फिर इनको पैसा मिलता है। कल को ये सोच लें कि स्टोर भी हमारा खुद का ही होना चाहिए, दवाई भी हम खुद खरीदेंगे, सारा पैसा हम कमाएंगे, तो मरीज के ठीक होने के लिए जो दवाइयां ये दे रहे हैं उस तरफ स्टोर का खोलना क्या कहलाएगा इनका? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाएगा। एक रियल टाइम एग्जांपल दे दिया मैंने तुम्हारे को, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक हॉस्पिटल अगर एम्बुलेंस सर्विसेज खुद शुरू कर दे तो बैकवर्ड, अगर वो अपने स्टोर लगा दे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग भी कर देना, स्टोर नहीं लगाया लेकिन दवाएं अब मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर लेता हूं जो मेरे मरीजों और दूसरे मरीजों को भी काम आती है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कदम आगे हीलिंग की तरफ जा रहा हूं, ठीक करने की तरफ जा रहा हूं मरीज के लिए, तो ये सर्विसेज क्या कहलाएंगे? चलो इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके चले जाते हैं लेकिन उनको घर पे भी नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है कुछ दिनों तक। मैं उनको उनके घर तक कुछ दिनों तक के लिए नर्सिंग स्टाफ की सुविधा भी पर डे बेसिस पे प्रोवाइड करता हूं, क्या कहलाएगा? बैकवर्ड इंटीग्रेशन के फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। लो अभी केस स्टडी तैयार हो गई, मुश्किल है क्या कोई सब्जेक्ट? आप जैसा समझना चाहते हैं ना उस तरीके से उसे क्रिएट किया जा सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे सामने इसके कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकते हैं। बात आ गई क्या सबको समझ में, कोई डाउट है? पढ़ लें फटाफट सब इसको। तो हमने एक डायग्राम देख, डायग्राम याद करना पड़ेगा क्या कि याद हो गया? मैन्युफैक्चरिंग को रखो बीच में, दो कदम पीछे दो कदम आगे आना है, दो कदम पीछे कौन सा है? सेमी असेंबली कंपोनेंट और रॉ मटेरियल, दो कदम आगे कौन सा है? आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट एंड मार्केटिंग एंड सेल्स। क्लियर हो गया? बस इसी से अपन फॉरवर्ड बैकवर्ड समझ लेंगे। आ जाओ फटाफट से अंडरलाइन कर लो, एग्जांपल हमने आपको दे दिए, आपने नोट भी कर लिए होंगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? इन वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन द फर्म ऑप्ट्स टू एंगेज इन द सेम बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम वही बिजनेस अपनाते हैं जो हमारा अभी का एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, उसी में रहते हुए हम काम किया करते हैं, उस लाइन से हम अलग नहीं होते। इसको नाम क्या दिया अपन ने? वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब इसके दो तरीके पढ़ रहे हैं अपन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो देखो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म द पार्ट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। पहले बैकवर्ड की डेफिनेशन फिर फॉरवर्ड की डेफिनेशन आ रही है। तो देखें पहले बैकवर्ड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सप्लाई की, रॉ मटेरियल की, बाय एंटरिंग द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर्स। अगर हम अपने बिजनेस के इनपुट प्रोवाइडर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो सकता है, जैसे इंक हो सकती है या कोई और चीज हो सकती है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। पिज्जा के लिए सबसे मशहूर कंपनी कौन सी है कि इसका पिज्जा सबसे बेस्ट होता है? पिज्जा कंपनी मानी जाती है डोमिनोज पिज्जा के लिए। अगर डोमिनोज पिज्जा के लिए मशहूर कंपनी है और डोमिनोज को लगता है कि जो ये पिज्जा का बेस है ये मैं दूसरों से प्रिक्योर करता हूँ, इसमें कई बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कई बार ये दूसरे लोग अलग टेस्ट का बना दिया करते हैं, ऐसा करो ये बेस भी हम ही बनाएंगे, इसके अंदर जो चीज़ डाला करते हैं वो चीज़ भी हम ही प्रिक्योर करके नहीं हम ही प्रोड्यूस करेंगे, सारी चीज़ें हम ही रॉ मटेरियल और सप्लाईज की तरफ खुद बनाना शुरू करेंगे ताकि इसके ऊपर हमारा नियंत्रण रहे, तो बताओ अब वो पिज्जा बनाने के साथ सप्लाईज पे भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही तो है। अच्छा ये तो शुरू से अपने आउटलेट से माल बेचा करते हैं, तो बताओ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो शुरू से इनके साथ है, इन्होंने कभी भी दूसरे आउटलेट पे तो अपना माल रखा ही नहीं, लेकिन शुरुआती दौर में तो ये पिज्जा बनाते थे और लोग इनसे खरीद के ले जाया करते थे, तब ये शुरुआती दौर में क्या करते थे? केवल मैन्युफैक्चरिंग ही किया करते थे, दूसरे लोग ही उसे बेच दिया करते थे, लेकिन आज ये सब कुछ अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है।
आज भी जोधपुर में कई लोग छोटी छोटी बेकरी के तौर पे काम किया करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो बेकरी वाले अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन बड़ी बेकरियां क्या करती हैं, उनसे मटेरियल प्रिक्योर कर लेती हैं, अपना ठप्पा लगा के बेच देती हैं, मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स मेरी भी। लेकिन कल को ये छोटी बेकरी वाला कहे यार प्रोडक्ट तो मेरा बेचता है और तू इसके ऊपर कोई भी स्टिकर लगा के पैसे कमा रहा है, कल को मैं ही जोधपुर में 4 आउटलेट लगा के अपने प्राइस से बेचता हूं, तो अब वो मैन्युफैक्चरर बेकरी वाला क्या कर रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग के आउटलेट खोल रहा है। फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? फॉरवर्ड हो गए। कल को वो इसके लिए जो प्रोक्योरमेंट करना था रॉ मटेरियल का, उनको भी खुद बनाने लग जाए। जैसे मैदे को, मैदा किससे बनता है? गेहूं से, आटे से बनता है, आटे आटे और इसको मिक्स करके, हाँ मिक्स करके। तो अपन अगर ये खुद भी बनाने लग जाए, मतलब हमने फार्म हाउस डाल दिए जहाँ हमने क्या किया, इन सबको उगाना शुरू किया, फिर वहाँ से उसकी क्वालिटी को कंट्रोल शुरू करने है, फिर उसकी पिसाई की मशीन भी खुद लगा ले, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बात आ रही कुछ समझ में आपको? तो ऐसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ए लार्ज सुपर मार्केट चेन consider to purchase a number of farms, बहुत सारे farm house खरीद लिए, that would provide it a significant amount of fresh produce, vegetables और बहुत सारी चीजें उनको उनके दुकानों पर मिलने लग गई। किसका उदाहरण दे रहा मालूम है? रिलायंस फ्रेश का उदाहरण है ये। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस फ्रेश पे आपको सब्जी और फल फ्रूट बेचती नहीं है, बड़े बड़े फार्म हाउस पे इनको खुद उगाती भी है और वहीं से इसको प्रोक्योर करके आपको लाके दिया करती है। इससे उनकी क्वालिटी भी मेंटेन्ड है और साथ में प्रोडक्शन की कॉस्ट पे भी नियंत्रण है। बताओ फायदा है या नहीं? अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी जो जमीनें खरीद रखी है उनकी रियल इस्टेट वैल्यू भी तो कुछ है। कल को उस एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू बढ़ती है तो भी आपकी बैलेंस शीट में अच्छा फर्क दिखाई देगा कि नहीं देगा? कल को आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर की जगह कुछ और भी प्रोडक्ट ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? कल को उस पर हाई राइज बिल्डिंग भी तो बना सकते हो आप, कमर्शियलाइजेशन भी तो हो सकता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी तो ला सकते हो। तो बताओ हर तरीके का फायदा है या नहीं हमारे? तो ये हम तरीका करते हैं किसमें? लार्ज सुपरमार्केट में। और मैंने उदाहरण लिख रखा है रिलायंस फ्रेश का, तो लिखो इसके सामने रिलायंस फ्रेश। मैं जितने उदाहरण बोल रहा हूं ना मुंह से तुरंत लिखते जाओ, ये सब आपको अपने एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेने हैं और जब वापस प्रोड्यूस करने हैं कॉपी में अपने एग्जाम में तब भी इनको लिखना है। ये सब रियल टाइम एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हो। On the other hand, forward integration is moving forward in the value chain and entering business line that use the existing product. इसमें क्या करते हैं अपन? Existing product line का ही उपयोग करते हुए आगे काम करते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉफी बीन मैन्युफैक्चर, ये CCD की बात कर रहा है। आपको पता होगा CCD वाले केवल पहले कॉफी ही बनाते थे, कॉफी बीन्स को ही एक्सपोर्ट किया करते थे। ये तो उनका जिसने आत्महत्या कर ली ना, वी जी सिद्धार्थ, क्या नाम था उसका? ये था वी सिद्धार्थ या विजय सिद्धार्थ नाम थे। अभी कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली थी ना उस व्यक्ति ने। इनका पेरेंटल बिजनेस तो कॉफी बीन्स को एक्सपोर्ट करना ही था, ये इस बिजनेस में ही नहीं थे। ये तो इस नए लड़के का था कि मैं अपने इस पेरेंटल बिजनेस को एक नया कदम आगे ले जाना चाहता हूँ, क्यों ना पूरे भारत भर में आउटलेट खोले जाएं जहां लोग एक अच्छी कॉफी का आनंद ले सकें और कुछ समय बिता सकें। और वो ले आया कॉफी कैफे डे श्रृंखला। तो बताओ क्या करने थे? मैन्युफैक्चरर केवल माल ही बेचते कुछ था, लेकिन एक जनरेशन आती है जो कहती है इसको अपन लोगों को सर्व करने का भी एक नया एम्बियंस और एक्सपीरियंस दें, और वो ले आता है कॉफी कैफे डे। ये किसका उदाहरण है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का ही तो है। तो देखो ये अगला उदाहरण आ गया, फॉर एग्जांपल ए कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर में चूज टू मैनेज द कॉफी कैफे। तो एग्जाम्पल लिख लो CCD, क्या कहेंगे अपन इसको उदाहरण के तौर पर? CCD, तो CCD इसका उदाहरण हो गया। उसका उदाहरण हो गया रिलायंस फ्रेश, इसका उदाहरण क्या हो गया? कॉफी कैफे डे, CCD। बात आगे क्या सबको समझ में? लास्ट उदाहरण ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का अपन। एक और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन में क्या बताया था? जब कोई फर्म अपनी ही कॉम्पिटिटर फर्म को अक्वायर कर लेती है ताकि अपने बिजनेस को वाइड स्पान या ग्रोथ दे सके, तो नाम क्या दिया जाता है इसको? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ध्यान हो तो मैंने 2 एग्जाम्पल शायद दिए थे डे 1 में जब इसको पढ़ाना शुरू किया था। फ्लिपकार्ट ने मंत्रा को अक्वायर करके अपनी फ्लिपकार्ट ई बिजनेस फैशन सेल्स को बढ़ा लिया। मिंत्रा फैशन स्टोर के तौर पर जाना जाता था, वो भी एक ई कॉमर्स की कंपनी थी। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी मल्टीपल तरीके के प्रोडक्ट बिकते थे। फ्लिपकार्ट ने मंत्रा को अक्वायर करके अपनी फैशन सीरीज की रेंज को बढ़ाया नहीं बढ़ाया? इसी तरीके से आपको पता होगा एडिडास नाम की एक जूते बनाने वाली कंपनी ने रीबॉक को अक्वायर कर लिया एडिडास ने। तो बताओ जूतों की रेंज बड़ी हो गई, एडिडास नाम से भी आता है, रीबॉक नाम से भी आता है, लेकिन दोनों के प्राइसेस पे अब हमारा नियंत्रण है ना। वरना क्या हो रहा था पहले? एडिडास और रीबॉक दोनों ही आपस में मार्केट में कंपीट कर रहे हैं। अब आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड को भी आपने एक्वायर कर लिया, अब दोनों ब्रांड आप ही के हो गए। तो बताओ अब आपस में कंपीट करोगे या दोनों के प्राइसेस में एक वेरिएशन रखते हुए दोनों को बेचोगे?
तो बताओ फायदा किसका है? जो अखबार कर रहा है उसका फायदा हो गया, क्या आपस में कंपीट करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, कोहेशन से चल रहे हैं और दोनों में पैसा अर्न कर रहे हैं। तो एग्जांपल लिख लो इसका दोनों, फ्लिपकार्ट एक्वायरिंग मिंत्रा, एडिडास एक्वायरिंग रीबॉक आर द टू एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डायवर्सिफिकेशन। क्या होता है इसमें खास तौर से? एक्विजिशन होता है। क्या होता है इसमें? एक्विजिशन ऑफ ए कॉम्पिटिटर फॉर्म। हाँ अनुराग बिल्कुल, वो भी इसी में ले लो। एक देखो नया एग्जाम्पल आ, ये है सब्जेक्ट की समझ। आपने अभी पढ़ना शुरू किया, दूसरा दिन है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, एग्जाम्पल आप सोच रहे हो, बिल्कुल सोचें ऐसे। जो ऐसे सोच रहा है ना, मेरी मान के चलो अकेले 40 नंबर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ले आया। मैंने एक वीडियो डाल रखा है, देखना भी, बच्चे खूब देख रहे हैं। अकेले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 40 नंबर ला सकते हैं अपन, जो हम तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से। ये इसमें तो जो है बोनस है, और एमसीक्यू में जो आएंगे वो और बोनस है। तो बताओ नंबर लाना कोई मुश्किल बात है क्या? केवल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। तो एक नया एग्जांपल दे दिया, मैं भी इसमें लिख लेता हूँ हाथों हाथ, ठीक है ना। मैं जनरली सब चीज़ें लिखता नहीं हूँ ताकि क्लास में हर चीज़ मैं नहीं बताऊँ, स्पून फीडिंग हो जाएगी। कुछ आपकी तरफ से भी तो आना चाहिए ना। तो हम क्या लिखें इसमें? फेसबुक इज, फेसबुक एक्वायर्ड, लिखना ही नहीं दे रहा, क्या बात है? फेसबुक एक्वायरिंग व्हाट्सएप, ठीक है। किसका उदाहरण में शामिल कर लिया जाएगा? ये हो जाएगा हमारे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। बात आ गई क्या सबको समझ में? ठीक है, आओ फटाफट से पढ़ लेते हैं इसमें। इसमें जो एमसीक्यू के लिए याद रखने वाला वर्ड है वो है एक्विजिशन। थ्रू द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग चेन दैट इज गोइंग इन टू द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और टेकिंग ओवर द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। तीन तरीके की चीजें हैं, या तो आप एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट को ही अपने में अक्वायर कर लो, मतलब दोनों एक जैसे, या हम अपने बाय प्रोडक्ट को अपने में अक्वायर कर ले, या फिर हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को अक्वायर कर ले, ठीक है। तीनों चीजों में फर्क है कि एक है पेप्सी और कोक एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है। पेप्सी एंड कोक दोनों क्या है? कॉम्पिटेटिव ब्रांड है, ये कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है। अच्छा दूसरा उदाहरण देखें, कार विद पेट्रोल, क्या मानेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कार बिना पेट्रोल के काम की नहीं, ठीक है। शू विद पॉलिश कैसे? ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट माने जाते हैं। अच्छा बाय प्रोडक्ट क्या है? ग्वार से गम निकाला करते हैं अपन, ग्वार गम बनता है ना तुम्हारे, तो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट कौन होता है? जिसके बिना वो प्रोडक्ट अधूरा है, जैसे पेट्रोल एंड डीजल विद कार्स, ये फ्यूल ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। इसी तरीके से शू विद पॉलिश, शूज एयर पैन विद इंक नहीं हो तो काम चलेगा ही नहीं। तो ये तो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, दोनों का होना जरूरी होता है। बात आ गई सबको समझ में? अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट की, वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है आपके, ठीक है ना, जैसे पेप्सी विद कोक है ना, ऐसा अपन कह सकते हैं। तीसरा आ जाता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसको बनाने से वो एडिशनल बन जाया करता है, जिसको बनाना जरूरी नहीं होता है। तो हम ग्वार से ग्वार गम बनाया करते हैं, और आपको मालूम होगा इससे कुछ वेस्टेज बच जाता है। तो जोधपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट इतने होशियार हैं कि उसको वो कैटल फीड बना दिया करते हैं, मालूम है तुम्हारे को? पहले क्या होता था, ये ग्वार नाम का यूज करके ग्वार गम के फैक्ट्री में गम केमिकल बना लेते थे, बाकी का सब बाहर फेंक देते थे। तो बाहर क्या करते थे, जानवरों को चराने वाले आते थे और उसको ले जाया करते थे, जानवर चराने में इसका उपयोग कर लेते थे खली के तौर पे। तो अब क्या किया लोगों ने, जो भी हमारी ग्वार गम इंडस्ट्री वाले, उनको लगा कि इसका तो कैटल फीड बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्वार से दो चीजें कर रहे हैं मशीनी प्रोसेस डिफरेंट करके, एक से केमिकल बना रहे हैं गम और दूसरे से बना रहे हैं कैटल फीड, क्या कहलाएगा ये, इसका बाय प्रोडक्ट। तो बेसिकली तीन चीजें होगी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में, या तो आप अपने कॉम्प्ली प्रोडक्ट को अक्वायर करो, या आप अपने बाय प्रोडक्ट को अक्वायर करो, या अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को अक्वायर करो। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के अक्वायरमेंट में मैंने तीन एग्जाम्पल दे दिए आपको, कौन कौन से तीन हो गए हमारे यहाँ? फ्लिपकार्ट एक्वायरिंग द मिंत्रा, सेकेंड एडिडास एक्वायरिंग द रीबॉक, और थर्ड एग्जाम्पल आया कौन सा, फेसबुक अक्वायरिंग द व्हाट्सएप। बात आ गई क्या सबको समझ में? कोई डाउट है? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को लिया, किसका उदाहरण मानेंगे? सेम, वॉलमार्ट भी ई कॉमर्स का बड़ा जाइंट है, फ्लिपकार्ट भी इंडिया का बड़ा जाइंट है, तो वर्ल्ड बड़े जाइंट ने इंडियन जाइंट को अक्वायर कर लिया, क्या कहलाएगा ये? अगेन दिस, वेरी गुड। तो अब आपके एग्जाम्पल आ रहे हैं क्लास में, है ना, दो एग्जाम्पल आज ही आप लोगों ने दे दिए, अभी तो दूसरा ही दिन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। अगर आप इस रफ्तार से काम करेंगे तो ये बात है, अकेले हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी आराम से स्कोर कर सकते हैं 30-40 की रेंज में, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करते हुए। तुमने हाँ कुछ कह रही थी गौरी? हाँ नहीं, सब्स्टिट्यूट है वो तो उसका, है ना, क्लियर अभी सबको? तो आज इतना ही रखें अपन, कर लेंगे इससे आगे।